Hello students, welcome to Perseverance Learning. I hope students you all are well and good. So हम subject verb agreement को complete कर चुके थे. आज की class में हम practice करेंगे, देखेंगे जो concept हमने सीखा है, हम उसे कितना practically apply कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और यहाँ पे जितने भी question आपको मिलेंगे ये सारे previous year based question ही हैं. अगर आप इन्हें अच्छे से attempt कर लेते हैं, that means आप exam में भी बहुत अच्छा score कर पाएंगे. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, सीपीयू हो, किसी भी एग्जाम में जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, हर एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. जैसे कि हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है, A third of us feels compelled to check our phones in the middle of the night, no error. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसके बाद उसको इम्प्रूव भी करना है. ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, आप देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. अब हम शुरू करते हैं. तो जैसे हमें आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है, a third of us feels compelled to check our phones. फर्स्ट वाले पार्ट में a third of देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा. क्या याद आ रहा होगा, हम इस रूल को पहले भी पढ़ चुके हैं. आप रूल कह लीजिए या कॉन्सेप्ट, कि जब हम किसी प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें द रेस्ट ऑफ अस की बात कर लें या रेस्ट ऑफ की बात कर लें या फिर इसकी जगह a third of की बात कर लें या फिर इसकी जगह पे मान लीजिए टू थर्ड गिवन होता या इसकी जगह पे आप क्वार्टर ऑफ गिवन होता या 50% 40% ऐसी कोई क्वांटिटी गिवन होती. तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या सीखा था, कि इनके साथ हमेशा जो नाउन यूज की जाती है, जो आप नाउन यूज करेंगे वो कैसी होगी, वो होगी प्लूरल इन नेचर. ठीक है, नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा. और आप जानते हैं कि अगर नाउन प्लूरल हो गया तो हमारे पास जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी. तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी. ठीक है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, वर्ब इसके साथ जो आप यूज करेंगे वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल इन नेचर हो जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, हम चेक करते हैं कि जैसा हमने यहाँ पे देखा वैसा है या नहीं है. तो ये तो हमने देख लिया, आ थर्ड ऑफ यहाँ पे गिवन था. ठीक है, इनमें से एक क्वांटिटी गिवन थी. नेक्स्ट में हमें दे रखा है अस, आप इसे देखेंगे अस, तो ये कैसा है, नाउन है. और किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है. तो यस, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है ये. इसका मतलब क्या हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में तो कोई भी एरर नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था सेम वैसा स्ट्रक्चर है. तो फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है. सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है फील कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स. अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट वर्ड है ये हमें गिवन है फील्स, और हम देख पा रहे हैं कि फील्स यहाँ पे क्या है, वर्ब का ही काम कर रहा है. और ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया. प्लस में इसके साथ हम देख पा रहे हैं एस और ई एस को भी क्या किया गया, अटैच किया है. आप जानते हैं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को हम अटैच कर देते हैं तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर बन जाता है. क्या बन जाता है, सिंगुलर. तो इसका मतलब ये जो फील्स हमें गिवन है वो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया. जबकि हम जानते हैं कि अगर नाउन मेरा प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए. दैट मीन्स जो एरर है वो बी पार्ट के अंदर है. तो यस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में. क्या एरर है, फील्स की जगह पर यहाँ फील होना चाहिए था. तो राइट आंसर अगर आप इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फील, एफ डबल ई. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हो गया कि क्या एरर था और उसे कैसे इम्प्रूव किया गया. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग, नो एरर. अब यहाँ पे भी सेम आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन आफ्टर उसके इसको इम्प्रूव करना है जो भी आपको एरर मिलती है. तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें क्या गिवन है, एवरी गिवन है. अगर आपको याद होगा तो एवरी का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं. क्या था कॉन्सेप्ट, देखते हैं. जैसे यहाँ हमें गिवन है एवरी, हम जानते हैं कि ईच हो गया या फिर एवरी हो गया
या फिर नाइदर हो गया, या फिर इसकी जगह पे नन हो गया। ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं और अपने साथ ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और इन सबको हम ट्रीट कैसा करते हैं कि ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ भी आप देखेंगे एवरी मेंबर ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो यानी कि अपने साथ जो नाउन ले रहे हैं वो भी कैसा ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं। और जो वर्ब लेंगे वो भी कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है, तो ये केस हम पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ पर भी हम चेक करते हैं तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। यहाँ पे गिवन है एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, तो यस ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कई बच्चों को ये भी डाउट होगा कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, एवरी मेंबर है या द कमिटी है। तो इसे बचाने का सबसे आसान तरीका क्या, आप देखेंगे द कमिटी से पहले यूज किया गया है ऑफ। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है और हम जानते हैं कि ऑफ जो है इसका बिहेवियर दो तरीके का होता है, दो तरीके का होने का इन द सेंस है कि ऑफ जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये दो बातें बताता है, या तो ये सिलेक्शन शो कर रहा होता है, दो सेकंड, या तो ये शो करेगा किस चीज को, सिलेक्शन को शो करेगा, या फिर ये यूज किया जाएगा एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन को देने के लिए हम क्या, ऑफ को दोनों के लिए यूज किया जाता है। या तो आप सिलेक्शन दिखाना चाह रहे हैं या प्रीपोजिशन दिखाना चाहते हैं, आप ऑफ को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ तो प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है, ऑफ क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन। और हम जानते हैं कि ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, एवरी मेंबर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में कोई भी एरर नहीं दिख रहा, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट बन चुका है, प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ए पार्ट में कोई एरर नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे गिवन हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग, नो एरर। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब यूज की गई हैव बीन। अभी हमने देखा कि एवरी या आइदर, नाइदर, नॉर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, जबकि यहाँ पर यूज कर लिया गया हैव। और हम जानते हैं हैव कैसी है, प्लूरल इन नेचर है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। दैट मीन्स जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो हमें एरर मिला वो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, हैज को, हैव को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे यूज किया जाएगा हैज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हैज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है नाइदर ऑफ द स्क्वाड लीडर नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग, नो एरर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, हमने यहाँ पे ईच, एवरी, नाइदर, नॉर का केस देखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाइदर भी है। और इस क्वेश्चन में जो आपको ये एग्जांपल गिवन है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी नाइदर है। तो अभी हमने देखा कि नाइदर भी कैसा होता है, सिंगुलर इन नेचर होता है, तो ये अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर इन नेचर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और भी देखते हैं यहाँ पर। जैसे अभी हमने बात करी कि नाइदर हमें गिवन है, ठीक है, नाइदर के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ गिवन है, इसका मतलब ऑफ है। और ऑफ के बाद ये जो पूरा होगा द स्कॉट लीडर्स, ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अभी हमने समझा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है ये क्या होता है, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये क्या था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ जो नाइदर है यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि वर्ब हमारा नाइदर की अकॉर्डिंग यूज होगा और नाइदर कैसा होता है, सिंगुलर इन नेचर होता है, जिसका नेचर क्या है, ये सिंगुलर होता है।
ठीक है, और सिंगुलर होता है तो आप यहां देखेंगे यूज किया गया है नो। अब ये जो नो है आप देख पा रहे होंगे कि नो ये कैसा है, प्लूरल नेचर है। मैंने ऐसा क्यों कहा प्लूरल है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम वर्ब के साथ एस या एस को अटैच करते हैं तभी वो सिंगुलर होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा। दैट मीन्स ये प्लूरल नेचर है। और जो एरर है वो भी हम समझ चुके हैं कि कौन से पार्ट में है, एरर हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है ये हमें पता चल चुका है। एरर किस में है, नो में है। नो को हम इसके साथ एस या एस अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा नोज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट समझ आ गया। आप देखेंगे कि हमें फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पे सब कुछ मिल गया, सेकंड थर्ड पार्ट पे इतने इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं थी, पर ऐसा नहीं है। पूरे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एरर ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, दिस इज वन ऑफ द न्यू कंपनीज विच हैव डन वेल फॉर द पास्ट टू ईयर्स। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे टू टी डब्ल्यू ओ है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या है, पास्ट टू ईयर्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, इसमें भी सेम वही चीज करनी है कि पहले हमें पहचानना है कि एरर कौन से पार्ट में, देन उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द न्यू कंपनीज। अभी हमने बात करी थी कि जो ऑफ होता है दो नेचर को बताता है, या तो ये सिलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, या तो ये यूज किया जाएगा या तो एज अ सिलेक्शन के लिए, या फिर यूज किया जाएगा एज अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, दिस इज दिस जो यूज किया गया है ये इंट्रोडक्शन के लिए किया गया है, और दिस एज अ सब्जेक्ट आया था तो इसको इसका वर्ब भी मिल चुका है, तो इनका काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब आएंगे वन ऑफ द न्यू कंपनीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑफ यूज किया गया है वो एज अ सिलेक्शन यूज किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू कंपनीज में से किसी एक कंपनी को सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई हो रहा है, यस। तो अब आगे देखते हैं, इसके कुछ रूल्स थे, रूल्स नहीं ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हैं, तो इसे आप कॉन्सेप्ट ही कहिए, रूल मत कहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या था वन का, क्या क्या केस थे वन के साथ। तो यहाँ हमने देखा था वन ऑफ आ जाएगा प्लस में, इसके साथ जो आप नाउन यूज करेंगे वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्लूरल होगा, इसे अभी समझते हैं। जो नाउन यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया, आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ऑफ जो यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, सिलेक्शन के लिए। और हम जानते हैं जब भी सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बंदा था आप उसी में से एक को सिलेक्ट कर ले, नहीं हो सकता कि एक ही बंदा है उसमें से आप एक को सिलेक्ट करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी वन ऑफ आता है ये सिलेक्शन को बताने के लिए है, और अगर सिलेक्शन बताएंगे तो डेफिनेट सी चीज है कि आप बहुत सारी चीजों में से ही चीजों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या दो से ज्यादा चीजें होंगी तभी आप सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही दो से ज्यादा हो गई या एक से ज्यादा हो गई हम जानते हैं वो प्लूरल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ अपने साथ हमेशा जो नाउन लेगा वो कैसे लेगा, प्लूरल इन नेचर लेगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में तो हमें कोई एरर नहीं मिला था, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो यस यहाँ पे नाउन क्या है, न्यू कंपनीज, तो ये प्लूरल इन नेचर है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं, सी पार्ट में आते हैं। यहाँ पे गिवन है विच हैज डन वेल फॉर द पास्ट टू ईयर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हमने समझ लिया कि वन है, प्लूरल नाउन लेगा और सिंगुलर नाउन लेगा। वन ऑफ का एक और केस देखते हैं, एक और केस में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको गिवन होता है वन ऑफ ही गिवन है, ये हम समझ चुके हैं कि ये जो नाउन लेगा वो कैसे लेगा, प्लूरल नाउन को लेगा। प्लस में हमने ये भी देख लिया कि वर्ब जो ले रहा था ये कैसा ले रहा था, सिंगुलर ले रहा था। ठीक है, लेकिन इससे पहले सेकंड केस में क्या हो जाता है, एक और यहाँ पे चीज जुड़ जाती है, एक और टर्म जुड़ जाएगा, दैट इज आरपी। अब ये आरपी क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, तो याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज की जाती है वो ज्यादातर क्या हो जाती है, प्लुरल इन नेचर हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, आप इसे समझते देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास प्लुरल नाउन था, लेकिन हमने इसे यहाँ पे जो वर्ब लिया था सिंगुलर लिया था। हमने वर्ब को सिंगुलर क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बात हो रही थी सिलेक्शन की। और जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेशक नाउन प्लुरल लिया गया था, पर सेलेक्ट तो इसमें से किसी एक को ही किया जा रहा था, और एक को सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, वन ऑफ है, प्लुरल नाउन है, लेकिन इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। और आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आ गया हम जानते हैं, तो वो अपने बाद क्या लेगा, एक वर्ब लेगा। तो जो वर्ब आप यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पे करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह तो ये काम कर रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना पड़ता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये किसके लिए यूज किया गया। हो सकता है कि ये सिंगुलर के लिए यूज किया गया हो, अगर सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर इन नेचर हो जाएगी। अगर प्लुरल के लिए यूज किया जाएगा तो ये भी कैसी हो जाएगी, प्लुरल हो जाएगी। ठीक है, वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लुरल हो जाएगी। बट आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो आरपी यूज किया जाता है ये ज्यादातर इसके लिए यूज किया जाएगा। देखेंगे अभी आप क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में भी सेम चीज है, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, प्लुरल नाउन के लिए। अगर प्लुरल नाउन के लिए किया गया तो सेकंड वाला केस हो जाएगा, प्लुरल वर्ब लग जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे वन ऑफ का। तो एक बार मैं और रिपीट करवा देती हूँ कि वन ऑफ अगर आ गया तो हम जानते हैं कि दोनों ही केस में, चाहे फर्स्ट वाला केस हो या सेकंड वाला केस हो, नाउन तो अपने साथ प्लुरल लेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, वर्ब पे। अगर वर्ब डायरेक्ट नाउन के बाद वर्ब आ रही है तो फिर हम जानते हैं कि सिलेक्शन एक इंसान का हो रहा है तो वो सिंगुलर है, और उसके बेस पे हम वर्ब को भी क्या कर लेते हैं, सिंगुलर कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्लुरल नाउन के बाद हमारे पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लुरल को। तो अगर इसके बेस पे लग गया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो जानते हैं आप प्लुरल को शो करेगा। अगर प्लुरल को शो करेगा तो प्लुरल वर्ब यूज किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन वन के लिए यूज हो जाता है, तो फिर ऐसे केस में ये सिंगुलर हो गया, और वर्ब भी कैसे यूज हो जाएगी, सिंगुलर यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लुरल लिखा है क्योंकि ज्यादातर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा ना वो इसके लिए यूज होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल में आप सेकंड थर्ड पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे यूज किया गया विच, हैव डन वेल फॉर द पास्ट टू ईयर्स। अब यहाँ पे आप पहले पहचानिए कि जो विच है ये यहाँ पे क्या है, आरपी का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें पहचानना है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज किसके लिए किया गया, तो आप देखेंगे ये यूज किया गया है न्यू कंपनीज के लिए। ठीक है, और न्यू कंपनीज कैसी है, ये तो खुद ही प्लुरल है, दैट मीन्स ये जो विच है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लुरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर विच प्लुरल के लिए आया गया है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होनी चाहिए, प्लुरल। और आप देखेंगे यहाँ पे यूज कर लिया गया हैज। ठीक है, तो इसका मतलब एरर है इस पोर्शन में, हमें पता चल गया कि एरर कौन से पार्ट में है। तो आप अच्छे से समझ पाए कि जो एरर है वो हमारा है सी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर एरर है, इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हम हैज को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हैव। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। बहुत ज्यादा ही यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन आर, दैट इज डजंट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। तो इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे आप, फर्स्ट वाले पार्ट में वन ऑफ का केस आया, तो मैंने अभी आपको दोनों केसेस समझा दिए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें गिवन है वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। तो पहले अभी हमने देखा था कि वन ऑफ जब भी आता है अपने साथ नाउन कैसे लेगा, प्लुरल लेगा, और प्लुरल नाउन क्यों लेगा, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन की। तो यस, यहाँ पे
पे हमें जो यूज किया गया है कैसा है, रूलर इन नेचर है और नाउन भी है, तो ये बात तो ठीक हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। सेकंड में आते हैं, ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर दैट इज डजंट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट में वर्ब यूज करी गई है आर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आर यूज होगा ये ठीक है या गलत है, गलत है तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब देखेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट वाले रूल पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो वन ऑफ आ गया, रूलर नाउन आ गया, तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर हमने देखा कि वहाँ एग्जाम्पल में ठीक था। नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई थी क्योंकि हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आरपी वाला केस तो नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या हमारे पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, नहीं यूज किया गया। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से किसी एक ड्रॉबैक की बात की जा रही है, और वो ड्रॉबैक क्या है कि जो हमारे आज का एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो एनकरेज नहीं कर रहा किस चीज को, ओरिजिनल थिंकिंग को। ये कहना चाह रहा है दैट मीन्स कि बहुत सारी कमियों में से एक कमी है, तो यहाँ हम बात सिर्फ एक कमी की कर रहे हैं, और एक कमी है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर ये सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी हमें कैसे यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ जो एरर है वो बी पार्ट के अंदर है। एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर को हम हटाएंगे और आर की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर इन नेचर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपने पहले वाले अगर एग्जाम्पल पे फोकस किया है तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये समझ में आ चुका है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ अ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, नो एरर। तो सबसे पहले यहाँ पर भी सेम कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, आफ्टर दैट आप से इम्प्रूव करेंगे जिस भी पार्ट में आपको एरर मिलता है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें देखेंगे तो ए पार्ट के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे यूज किया गया सत्यजीत रे, फिर यहाँ पे हु यूज कर लिया गया, हु क्या है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हु किसके लिए यूज किया गया तो हम देख पा रहे हैं सत्यजीत रे के लिए किया गया, और इसका मतलब फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, सत्यजीत रे हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें गिवन है को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ फिल्म्स वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। अब यहाँ पे ये जो वाज यूज किया गया है किसके लिए किया गया, यहाँ पे इसके लिए किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे को ऑथर एंड डायरेक्टर है, इसके लिए यूज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर को एक्टर और डायरेक्टर दोनों कौन है, एक ही इंसान है, वो कौन है, सत्यजीत रे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जो ये क्वालिटीज बताई गई हैं ये किसी एक पर्सन की है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज किया गया। इसका मतलब ये तो इस वाले पोर्शन से लेके आप देखेंगे इस वाले पोर्शन तक का क्या था, ये हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज की गई, जबकि हमारा इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट तो क्या है, ये है सत्यजीत रे। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद अभी क्या है, सिंगुलर इन नेचर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आप इसे मत समझना, ये तो सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया गया है सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए, इतनी सारी चीजें जो ऐड करी गई हैं कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ है और वर्ब अभी तक हमें नहीं मिला जो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ये जो वर्ब हमें मिला है ये तो इनके लिए मिला है, ठीक है, इसके लिए यूज किया गया, ये एज अ सब्जेक्ट है और उसके लिए ये वर्ब यूज हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा वाला वर्ब कहाँ पर है, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ यूज किया गया, ये वर्ब यूज किया गया है, और ये वर्ब कैसी है, मेकर। आप देख पा रहे हैं कि ये रूलर इन फॉर्म में, रूलर क्यों है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस आई एस को लगाते हैं तब वो सिंगुलर होती है, और यहाँ पे कुछ भी एस आई एस नहीं यूज रखा, दैट मीन्स ये रूलर है। दैट मीन्स आपको ये भी समझ में आ चुका है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है हमारा सी पार्ट के अंदर, हमारा क्या है, एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम करेंगे ये जो मेकर है इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, मेकर्स। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है, वी इंसिस्टेड बट नाइदर जया
nor her assistant are ready to work on Sunday. No error. अब इस क्वेश्चन में भी आपको पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है और उसके बाद फिर इम्प्रूव भी करना है जो भी एरर मिलता है उसको. ठीक है, तो देखते हैं. इसे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे वी आर इंसिस्टेड बट नाइदर और नाइदर जया नॉर हर असिस्टेंट. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नाइदर नॉर का केस आ चुका है. ठीक है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट को. अब आप देखेंगे नाइदर नॉर, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो किसमें आती हैं, जोड़े में आती हैं. ये हो गया नाइदर और इस ही अपने साथ यूज करता है नॉर को. ऐसे ही हम जानते हैं एक और भी होता है आइदर और. ठीक है, अब इन दोनों का ही नेचर देखेंगे. ये अगर अपने साथ क्या है, नाइदर अपने साथ नॉर लेता है, आइदर अपने साथ और लेता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइदर के बाद भी एक सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, एक नाउन यूज किया जाएगा और नॉर भी अपने साथ एक क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, यानी कि एक नाउन ये भी अपने साथ लेगा. तो अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन हमें ये हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, नाइदर ने जिस नाउन को लिया है उसके अकॉर्डिंग या नॉर के पास जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो मेन जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ होता है. तो यहाँ पे देखिए आप दोनों में से किसी के भी बेस पे करेंगे वो बात तभी भी ठीक ही रहेगी, लेकिन ऐसे तो हर बच्चे का क्या हो जाएगा, आंसर वरी कर जाएगा. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए यहाँ पे चीजें डेफिनाइट कर दी गई हैं. अब डेफिनाइट क्या किया गया है कि आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा होगा जो नियरेस्ट होगा वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट जो नियरेस्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब यूज करना है. ठीक है, उसे ही आप अपना मेन सब्जेक्ट मानेंगे. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नाइदर नॉर के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट वो भी किसके नियरेस्ट, वर्ब के, उसे ही हम क्या मान लेंगे, अपना सब्जेक्ट मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं नाइदर ने अपने साथ एक पहला ले लिया है नाउन, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नाउन एन वन लिख दे रही हूँ मैं इसे. नेक्स्ट नॉर के साथ जो यूज हुआ है वो है हर असिस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया नाउन टू हो चुका है. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यूज किसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज किया गया है आर. ठीक है, और हम जानते हैं कि नियरेस्ट अगर आप यहाँ पे नाउन की बात करेंगे तो वो है हर असिस्टेंट, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी या वर्ब यूज की जाएगी वो हर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग होगी. तो हर असिस्टेंट कैसा है, सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आर है ये तो प्लूरल हो चुका है, ये आंसर नहीं हो सकता. तो यहाँ पे भी हम समझ चुके हैं कि एरर जो है वो सी पार्ट के अंदर है. एरर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आर को हटाना है और इसकी जगह पे यूज करना है इज. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर. ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा नाइदर नॉर के केस में क्या किया जाता है, आइदर और के केस में क्या किया जाता है. ठीक है, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ चुका है तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में एक सेकेंड, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरनेट यूजर इन द स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज, नो एरर. अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर इम्प्रूव भी करना है उसे. ठीक है, तो पहले आप खुद इसे ट्राई कीजिए फिर मैं करवाती हूँ. तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या गिवन है. अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स इन द स्मॉल टाउन देन इन अ मेट्रो. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट में देयर यूज किया गया है और ये देयर दो चीजों पे काम करता है, इसका नेचर पहले समझते हैं देयर का. तो बात करते हैं देयर की. अगर मान लीजिए आपको देयर गिवन है तो देयर दो क्लॉजेस पे काम करता है, दो चीजों पे. क्या चीज होती है, पहली कि अगर देयर क्या होता है अपने साथ वर्ब जो लेगा
ये सिंगुलर वर्ब ले सकता है, सेकंड थिंग ये अपने साथ प्लुरल वर्ब को भी ले सकता है, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज की जा सकती है, प्लुरल भी यूज की जा सकती है, और दोनों ही ठीक होंगे। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है, इसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा, कोई तरीका होगा। तो यस बिल्कुल तरीका है, कैसे, बिल्कुल अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए समझना है यहाँ पर, और क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। अगर जो देर यूज किया गया है उसके वो यूज किया गया है किसी सिंगुलर के लिए, तो दैट मीन जो वर्ब हो जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर जो देर यूज किया गया है वो किसी प्लुरल के लिए यूज किया गया है, तो ऐसे केस में जो आपका वर्ब हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा, प्लुरल यूज हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियरिफाई हुआ होगा। तो ये जो दोनों बातें डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है कि आपका जो सब्जेक्ट वहां पर आया है वो कैसा है, सिंगुलर है या फिर वो सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमें वर्ब कैसे यूज करनी है। तो आई होप आप यहाँ पे देयर का नेचर समझ गए कि देयर का नेचर क्या होता है। इसके साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ आप प्लुरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही आपकी चॉइस होती है, पर चॉइस आपकी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसे यूज किया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज अ मोर इंटरनेट यूजर्स, अब यहाँ पे किसके लिए यूज किया जा रहा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज अ मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है इंटरनेट यूजर के लिए, मोर इंटरनेट यूजर्स, दैट मीन्स प्लुरल के लिए यूज किया गया है। और अगर प्लुरल के लिए यूज किया गया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी समझते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारे रिपोर्ट्स की बात करी जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ही बताई गई है इस बात को। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स भी कैसा है, प्लुरल इन नेचर का। अगर ये प्लुरल इन नेचर का है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लुरल इन नेचर की होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इज, दैट मीन्स हम जान चुके हैं कि बी पार्ट में क्या है, एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज को हटा के यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आर, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और आपको यहाँ पे देयर के बारे में भी पता चला होगा कि देयर का नेचर क्या होता है। आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, प्लुरल भी। ये डिपेंड करता है कि जो देयर यूज किया गया वो किसके लिए किया गया, सिंगुलर के लिए, या फिर जो देयर यूज किया गया वो प्लुरल के लिए यूज किया गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है, ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली, नो एरर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और फिर उसे इम्प्रूव भी करना है। तो आप देखेंगे तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है ब्रेड एंड बटर, हम जानते हैं कि ब्रेड जो है ये एक नाउन हो गया, प्लस में एंड यूज किया गया है, और बटर क्या है हमारा नाउन सेकेंड है। अब आपको याद आया होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इस बात को पढ़ा था कि अगर दो नाउन हैं और वो अपने वो एक एंड से कनेक्टेड हैं तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके भी हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, अराउंड 3 के आसपास केस थे इसमें। तो पहले अभी इसी एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेड पहला नाउन हो गया, बटर सेकेंड नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि एक बंदा ये हो चुका है, अगर इसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिए, और बटर क्या हो चुकी है, दूसरी चीज हो चुकी है, एक से ज्यादा चीजें हो गई। दैट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है पूरा हमारा कैसा हो गया, प्लुरल नेचर हो गया। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लुरल हो चुका है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो चुका है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लुरल आनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे क्या यूज किया गया, आर, तो यस आर भी प्लुरल होता है। दैट मीन्स यहाँ तो कोई एरर नहीं है फर्स्ट पार्ट के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं, मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली, नो एरर। तो बाकी भी कहीं एरर नहीं है, दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि कोई भी एरर नहीं है। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे इसी में, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड और बटर यूज किया गया था ये अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, इसलिए हमने इसको दो माना। कई बार आपको दिखेगा कि क्या होते हैं ये, एक साथ भी यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, ब्रेड एंड बटर इज आर बेस्ट ब्रेकफास्ट। अब यहां पे आपको
क्या करना है, सेम इसे भी सॉल्व करिए, इसमें बताइए कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया जाएगा या आर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ब्रेड एंड बटर, सेम पहले जैसा कॉन्सेप्ट हो रहा है। आप देखेंगे ये नाउन फर्स्ट हो गया, ये नाउन सेकंड हो गया, और दोनों कनेक्ट किस से, एंड से कनेक्ट है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, आप आर यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एग्जाम्पल में ब्रेड एंड बटर दोनों क्या है, एक एंटिटी मान के हमने यहाँ पर बात की है। एक एंटिटी का मतलब क्या है कि इसे हम कॉमन ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड पहले खा लेते हैं और बटर बाद में चाटते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या है, इन दोनों को एक ही एंटिटी समझ के ब्रेड में ही तो बटर लगा के तभी तो उसे खाते हैं। तो ये पूरी एक ही एंटिटी यूज हुई है, दिखने में हमें ब्रेड और बटर दो चीजें दिख रही हैं, पर सिमिलर अगर हम बात करें तो ये इन दोनों को एज अ इंडिविजुअल यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, एज अ ये दोनों चीजें एक साथ ही आई है, वो क्या बन के आई है, सिंगुलर एंटिटी बन के आई हुई है, तो ये यहाँ पे एज अ सिंगुलर काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, तो आर तो यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो यहाँ पे था ब्रेड एंड यहाँ पे क्या था, ब्रेड एंड बटर इज अ बेस्ट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो यूज किया गया है ब्रेकफास्ट, ये आप जानते हैं किसी एक के लिए तो यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट बोला गया है उसे हमने कॉमन माना गया है, और ब्रेकफास्ट हमने इन्हें एक ही एंटिटी बताई है, दो अलग 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 डिश नहीं बताई है, ये एक अलग ही एक सेम ही डिश है जिसमें ब्रेड और बटर क्या है, एक ही चीज, एज एन इंडिविजुअल इसे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, और अगर ये यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर नाउन की तरह रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अलग अलग नाउन के तौर पे हम इसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक आइडेंटिटी यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके साथ अब अगर नाउन मेरा सिंगुलर हो गया तो मेरा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, इज यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेड और बटर किससे बने हुए, बोला गया है कि ब्रेड जो है वो व्हीट से बना हुआ है, जो बटर है वो मिल्क से बना गया है। तो यहाँ पे तो उन्होंने खुद ही इसे अलग अलग ट्रीट किया है, ब्रेड को अलग उसका बिहेवियर बताया कि वो किससे बना हुआ है, व्हीट से, और बटर के बारे में अलग बताया गया कि किससे बना हुआ है, मिल्क से। तो इन्हें खुद ही इन्होंने बाइफर्केट करके बताया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज किया क्योंकि दो अलग अलग नाउन की तरह से ट्रीट किया गया, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेड एंड बटर को एज अ सेम एंटिटी यूज किया गया है। ठीक है, सेम यूज किया गया, एक ही एंटिटी यूज किया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, अगर क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, मेनी अ मैन अलोंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग टू देव घर टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा, नो एरर। अब यहाँ पे भी सेम चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव ही करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूज किया गया है मैनी आ, जो मैनी होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मैनी जो यूज किया जाता है फोर तरीके से यूज किया जाता है। जैसे पहले एक बार रिवाइज कर दें कि कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, जैसे अगर मान लीजिए मैनी आ जाता है, मैनी और नंबर इन दोनों का नेचर सेम होता है, मैनी या फिर नंबर आ जाए और इसके बाद ये कोई आर्टिकल यूज कर लिया जाए ए या फिर एन को, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले ही आ जाए मैनी या फिर नंबर को अकेला यूज किया जाए, मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट बन के यही आ जाए, या फिर क्या हो सकता है आ मैनी आ जाए, ये आ अलग है आ मैनी, या फिर आ नंबर आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि ये दा के साथ आ जाए, दा मैनी हो जाए,
या फिर द नंबर आ जाए। ठीक है, आ था ये, आ मैनिंग हो जाए या आ नंबर हो जाए। अब ये हमारे पास चार केस होते हैं, इन्हीं चार तरीके से ही बार बार एग्जामिनर क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है। तो पहले इसे क्लैरिफाई करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने देखे कि चार अलग अलग केस है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें समझना है कि कब किस तरीके का ये वर्ब लेंगे और किस तरीके का ये नाउन लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर और ये मैनी, ये आप देख पा रहे हैं कि ये प्लूरल इन नेचर है। अगर प्लूरल है तो ये अपने साथ सब्जेक्ट को कैसा लेंगे, ये सब्जेक्ट कैसा लेते हैं, प्लस में वर्ब। अब जैसे मैंने बात किया कि सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो तीनों ही हैं, तीनों अपने साथ कैसा लेंगे, प्लूरल इन वर्ब लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और वर्ब कैसा लेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर इनका नाउन ही प्लूरल हो गया तो ये वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो तीनों का बिहेवियर, तीनों का नेचर सेम है। अगर मैनी आ जाए या सिर्फ नंबर आ जाए, आ मैनी आ जाए, आ नंबर आ जाए, द मैनी आ जाए, द नंबर आ जाए, ये तीनों ही केस में ये अपने साथ सब्जेक्ट भी कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे, वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। अब बात करते हैं मैनी नंबर, मैनी आ जाए, नंबर आ जाए और उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाए। अभी आप यहाँ पे जरा देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट के बेस पे समझते हैं फिर इसके रूल को बताती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मैनी और नंबर है, ये हमें पता है प्लूरल है, लेकिन इनके बाद ए और एन यूज कर लिया गया। हम जानते हैं कि एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। और जाहिर सी बात है कि इसके साथ जो भी नाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और एन जो है ये खुद सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज होगी, या आप कह सकते हैं जो नाउन यूज होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब कैसी हो जाएगी, अगर यहाँ पे नाउन ही सिंगुलर यूज हो गया तो दैट मीन्स वर्ब भी कैसी यूज हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये रूल आपको समझ में आए होंगे जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अगर मैनी आ जाता है, आ मैनी, मैनी आ जाता है, नंबर आ जाता है, इसके बाद अगर आर्टिकल आता है, ए और एन के बारे में सिर्फ स्पेसिफिक बात की गई है। ये जानते हैं ए और एन दोनों ही सिंगुलर नेचर के होते हैं, तो ये अपने साथ जो नाउन लेंगे वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन इसे नीचे वाले तीनों केसेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैनी, नंबर, आ मैनी, आ नंबर, द मैनी, द नंबर, ये कैसे होते हैं, प्लूरल इन नेचर होते हैं, तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेते हैं, प्लूरल लेंगे, और सब्जेक्ट भी कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, आई होप अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है तो हम फोकस करते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन में हमें कहा गया है मैनी आ। अब यहाँ पे देखेंगे मैनी के बाद ए यूज कर लिया गया, तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज किया गया है, आप देख पा रहे हैं। और हमने देखा कि अगर ए और एन यूज हो जाएगा तो अपने साथ ये जो सब्जेक्ट लेगा या जो नाउन लेगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैनी यूज किया गया और ये सिंगुलर है। कैसे पता चला सिंगुलर है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्लूरल वाला मैन होता है उसकी स्पेलिंग एम ई एन होती है। ठीक है, तो ये कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है। देख लेते हैं हमारा वर्ब कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर गोइंग टू देवघर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या यूज कर लिया गया, आर यूज कर लिया गया। अभी हमने बात की कि जो हमारा वर्ब है वो कैसा है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो हमारे साथ सब्जेक्ट भी कैसा, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी यूज होनी चाहिए, सिंगुलर, जबकि यहाँ पे यूज कर लिया गया है आर, रॉन्ग है ये। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एरर इस पार्ट के अंदर है, एरर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आर को यहाँ से हटाना है और आपको यूज करना है इज। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हुई है आपको, ये कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हालांकि इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अपने बेसिक वाली कॉन्सेप्ट की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके, पर फिर भी मैं यहाँ चाहती हूँ कि रिपीट करवा दूँ। जितनी बार ये आप रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेंगी, आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है सीता एज वेल एज
some friends have fallen in love with a hunky fellow who is the eldest son of an IAS officer, no error. अब यहाँ पे भी आपको सेम करना है कि पहले पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन आफ्टर उसके इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो पहले आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. तो शुरू करते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमें गिवन है सीता एज वेल एज सम फ्रेंड्स. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सीता जो है ये हमारी फर्स्ट नाउन बन के आई है, सम फ्रेंड्स जो है ये हमारा नाउन सेकेंड हो गया. अब देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नाउन है और सेकंड नाउन है, और दोनों नाउन कनेक्ट किससे किए गए हैं, एज वेल एज से. कुछ याद आया? ये भी हम पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को भी. इसको भी रिवाइज करते हैं. पहले पेन को चेंज करेंगे. अब इसको भी देखते हैं. अगर मान लीजिए हम पढ़ चुके हैं कि एक नाउन है हमें यहाँ पे कोई गिवन है, प्लस में कोई यहाँ पे दूसरा नाउन आ जाता है, ठीक है? और ये दो नाउन किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं हम देख चुके हैं. पहला केस एंड, एंड के थ्रू कनेक्ट होते हैं. अगर एंड के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसका केस आप पढ़ चुके हैं इस एग्जाम्पल में. इससे पहले हम एग्जाम्पल देख चुके हैं एंड वाला, बटर वाला जो हमने देखा था. अब हम पढ़ते हैं कि अगर एज वेल एज आ जाए, इसके अलावा मोस्ट ऑफ आ जाए, तो अगर मिल जाता है एज वेल एज मिल जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ मिल जाता है, या यहाँ पे टुगेदर विद मिल जाता है, या यहाँ पे, तो ऐसे और भी चीजें थी. मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है? तो आप लेक्चर में जाएंगे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी. इसके आगे बढ़ते हैं. अगर दो नाउन एज वेल एज या फिर मोस्ट ऑफ टुगेदर विद या फिर और भी बहुत सारी चीजें थी, इनके साथ अगर कनेक्ट होते हैं दो नाउन आपस में, तो ऐसे केस में अब हमें यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट सॉरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाता है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है. दैट मीन्स पहला वाला जो नाउन आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम वर्ब यूज करते हैं, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट नाउन. आप चाहे इसे फर्स्ट नाउन कह लीजिए या फर्स्ट सब्जेक्ट कह लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने वर्ब को यूज करते हैं. अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन में हम देखेंगे तो फर्स्ट नाउन क्या है, सीता. फर्स्ट सब्जेक्ट भी क्या है, सीता. तो जो वर्ब यूज की जाएगी इसके अकॉर्डिंग की जाएगी. फर्स्ट पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, सेकेंड पार्ट में भी कोई एरर नहीं है. थर्ड पार्ट में आते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है, और हमने देखा सीता कैसी है, सिंगुलर है. और अगर ये सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी कैसी यूज होनी चाहिए सिंगुलर, जबकि यहाँ पे यूज कर लिया गया हैव. दैट मीन्स कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है. इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैज को हैव को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हैज, ठीक है? तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि अगर फर्स्ट नाउन और दो नाउन है और वो इनमें से किसी भी तरीके से कनेक्ट है, एज वेल एज मोस्ट ऑफ एस टूगेदर विद, इन सब चीज़ों के साथ अगर कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो वर्ब यूज करते हैं वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? आइदर और वाले केस में हमने क्या किया था, जो वर्ब के पहले वाला यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग करते थे. तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अगर ये समझ आ चुका है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, नो एरर. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है और उसे इम्प्रूव भी करना है, ठीक है? तो पहले आप इसे खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी इसे. तो देखते हैं. अब आप यहाँ पे देखेंगे यू यूज किया गया है और आई यूज किया गया है. आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट प्रोनाउन है और ये सेकंड प्रोनाउन है.
किससे कनेक्ट है, दोनों एंड से कनेक्ट है। हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं कि अगर नाउन पहला नाउन दूसरा दो नाउन एक साथ एंड से कनेक्ट हो, सेम चीज अगर प्रोनाउन नाउन से एंड से कनेक्ट हो, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, एक नाउन ये हो चुका है, मतलब एक प्रोनाउन ये है, एक ये है, तो ऐसे आप देखेंगे एक इंसान ये हो गया, एक इंसान ये हो गया, दो इंसान हो गए, और अगर दो लोग हो गए दैट मीन्स वो प्रूलर हो गए। अगर प्रूलर हो गए तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्रूलर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो चुका है, एम यूज किया गया, आप देखेंगे ये, जबकि इन्होंने नियरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर दिया कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग कर लिया, तो ये हम जानते हैं ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, गलत हो गया ये। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करेंगे, एम की जगह पर यहाँ क्या आना चाहिए, तो दो हो गए तो प्रूलर आना चाहिए, और यहाँ पे प्रूलर में क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। कौन से पार्ट में एरर मिला हमें, बी पार्ट के अंदर, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एरर कौन से पार्ट के अंदर है और इम्प्रूव भी कर लिया उसे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इजी एग्जांपल था ये बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस एग्जांपल में गिवन है, सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिम माउथ शट, नो एरर। आप पहले इसका नेचर समझिए कि किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं क्या करता, चेयरमैन को कहता कि वो क्या करते, अपने मुंह को बंद रखते, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो आप अगर इसमें पहचानेंगे तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके से अनफुलफिल विश के बारे में या एक कंडीशनल डिजायर के बारे में बात किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जब हम इमेजिनरी बातों के बारे में बोलते हैं या कंडीशनल इमेजिनरी कंडीशनल इमेजिनरी सब चीजों के बारे में बात करते हैं या फिर अनफुलफिल डिजायर या विश के बारे में बात करते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है। वहां पे हम कभी भी वाज नहीं यूज करते, वहां पे क्या यूज किया जाता है, वर यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है वर, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर था, हम इसे पहचान चुके हैं, पर इस कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे से मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्या लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए कि आ जाता है, यहाँ पर आ गया है इफ आ गया है, या फिर आ जाएगा एज, एज थ्रू, दो सेकेंड, दोबारा से समझते हैं इसे, तो पहले समझते हैं कि क्या मैंने कहा, मैंने यहां पे कहा इफ आ गया, अगर हमारे पास आ गया इफ, या फिर आ जाएगा एज इफ, या फिर आ जाए एज एज दो आ जाए, या फिर आ जाए आई विश आ जाए, एटसेट्रा, कुछ भी और भी इसके आगे और भी चीजें हो सकती हैं। अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अनफुलफिल विश के बारे में बात किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कंडीशनल डिजायर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जब भी हम इन्हें यूज करते हैं, एक विश को, कंडीशनल डिजायर को, तो इसके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, दैट इज वर, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। और ऐसा कब करना है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये हम तब करेंगे जब हमें कोई भी अनफुलफिल डिजायर मिलेगी, इसे भी मैं लिख देती हूँ, कोई भी अगर आपको मिलेगा क्या चीज, अनफुलफिल्ड डिजायर एंड कंडीशनल डिजायर, ठीक है, तो कोई हमें अनफुलफिल्ड डिजायर मिलेगा या कोई कंडीशनल डिजायर मिलेगा, तो ऐसे, या फिर इसे बोल सकते हैं कि विश मिल रहा है कोई। इन केसेस को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, दैट इज वर, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अगर आप ग्रामर को थोड़ा भी सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, तो इस बात को आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एक कंडीशनल डिजायर की ही बात की जा रही है, या फिर हम कहें एक अनफुलफिल्ड डिजायर की बात की जा रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता, दैट मीन्स वाज की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, तो इसे हटाएंगे और इसकी जगह पे यूज किया जाएगा वर, वर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी नो एरर। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं, वन ऑफ वाला केस हमने अभी शुरू में ही किया है, तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या चीज यूज होगी। ठीक है, मैं आप चाहें तो एक बार मैं आपको रूल दिखा देती हूँ। तो पहले हम रूल देख लेते हैं वन वाला। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था दो कंडीशन थी, वन ऑफ आ जाए इसके साथ, वन ऑफ आता है तो ये अपने साथ नाउन कैसा ले रहा था, प्लूरल ले रहा था, ये हम देख चुके थे। यहाँ पे फिर दो केस बन गई थी वर्ब की कैटेगरी में कि वर्ब कैसी यूज करेगी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि वहां पे कितने लोगों का सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है तो दैट मीन्स एक ही इंसान को सिलेक्ट किया जा रहा है। अगर एक ही इंसान को सिलेक्ट किया जा रहा है तो सिंगुलर हो गया, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ये जो वर्ब यूज की जाएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया वो सिंगुलर के लिए किया गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर प्लूरल के लिए यूज किया गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई थी। अगर अच्छे से समझ में आया था तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, अब इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वन ऑफ यूज किया गया है, आपने देखा था कि वन ऑफ अपने साथ कैसा नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। तो यहाँ पे द इश्यूज आप देख पा रहे हैं ये प्लूरल ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे विच आ गया, और विच यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो पहले चेक करना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, किसी सिंगुलर के लिए या किसी प्लूरल के लिए यूज किया गया। तो आप देखेंगे वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड, तो ये जो विच यूज किया गया है ये इश्यूज के लिए किया गया है कि बहुत सारे जो हमारे इशू थे उनमें से एक इशू जो हमने मीटिंग में डिस्कस किया, तो ये इन इशूज के लिए यूज किया गया है। और इशूज कैसे हैं, प्लूरल है, दैट मीन्स विच भी किसके लिए यूज किया गया है, प्लूरल के लिए यूज किया गया। और अगर प्लूरल के लिए यूज किया गया तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, जबकि यहाँ तो वाज आया हुआ, दैट मीन्स ये गलत हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करने के लिए हमें यहाँ से बी को, वाज को हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको ये डाउट। ठीक है, समझ में आ चुका है कि कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, नो एरर। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर उसे इम्प्रूव भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है एवरी वन ऑफ देम, आई होप आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इफ गिवन है, इसके बाद गिवन है एवरीवन, एवरीवन के बाद क्या आ चुका, ऑफ आ चुका। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, जिससे यूज किया जाता है इच, इच ऑफ आ जाए या फिर आइदर ऑफ आ जाए या फिर इसके साथ आ जाए नाइदर, नाइदर ऑफ आ जाए, या फिर यहां पर मान लीजिए जैसे यहां गिवन है हमें एवरी, एवरी वन आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, या फिर यहां पर आ जाता है वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ का रूल आप पढ़ चुके हैं, या फिर आ जाए और। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज आ जाती है, तो हमने देखा था वन ऑफ वाला केस अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि इसके साथ जो किया जाता है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे इन वाले केसेस में हम सिलेक्शन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो और सिलेक्शन किस में होता है, एक से ज्यादा लोगों के बीच में यूज होता है, तो यहाँ पे जो नाउन यूज किया जाएगा कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, और इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी,
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाउन कैसा था, सिंगुलर था, तो इनके साथ वर्ब कैसी, नहीं सॉरी सॉरी, ये नाउन सिंगुलर नहीं, नाउन कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल, क्योंकि हमने अभी बात की कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिलेक्शन के बारे में, और सिलेक्शन कभी एक में नहीं होता, एक से ज्यादा में होता है। तो यहाँ पे जो नाउन यूज किया जाएगा कैसा होना चाहिए, प्लूरल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और वर्ब कैसी हो जाएगी, अब जो प्रॉब्लम आती है वर्ब में आती है, क्योंकि अभी हमने ये बोला यहाँ पर कि जो बात हो रही है सिलेक्शन की, तो बहुत सारे में से हम सिलेक्शन कितने लोगों का कर रहे हैं, किसी एक का कर रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एवरी वन, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो किसी एक की सिलेक्शन की बात हो रही है, सिंगुलर की सिलेक्शन की बात हो रही है। अगर सिलेक्शन सिंगुलर का हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर इन नेचर हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये बात आपको वैसे भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे भी यूज किया गया है, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने किसे पूछा, स्टूडेंट से पूछा, और क्या पूछा है इसे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, नो एरर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्ब यूज की गई है वो कैसी है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर यूज होनी चाहिए थी। तो दैट मीन्स एरर कौन से पार्ट में, सी पार्ट में, क्योंकि सिलेक्शन किसी, यहाँ पे बात सिलेक्शन की हो रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा, इसे पहले हम ठीक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर वास, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल, कि जब भी आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ ये अगर आते हैं तो इनके साथ जो किया जाएगा वो प्लूरल इन नेचर होगा, जैसे कि यहाँ पे देम यूज कर लिया गया था, ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब भी सिंगुलर क्यों थी ये भी हम देख चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन की बात हो रही है तो सिलेक्शन भी किसी सिंगुलर का हो रहा है, ठीक है। तो इनके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब कैसी लग जाएगी, सिंगुलर इन नेचर। तो वाज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन टू डेज, नो एरर। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और उसे इम्प्रूव भी करना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी नाइदर नॉर का केस आ चुका है, और हम नाइदर नॉर का केस पढ़ चुके हैं। क्या था नाइदर नॉर का केस, कि अगर नाइदर नॉर आ जाए, या फिर दूसरी चीज होती है आइदर और, वो भी किस में आता है, दोनों ही साथ आते हैं। जब भी नाइदर या नॉर आएगा या फिर आइदर और आएगा, तो जो पहला वाला है नाइदर और दूसरे वाले में है आइदर, ये अपने साथ क्या लेता है, एक नाउन लेता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नाउन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और जो नॉर है ये भी अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिज ब्रदर, ये जो हो गया है हिज ब्रदर प्रशांत, ये पूरा हमारा क्या हो चुका है, सेकंड नाउन हो चुका है। तो ये हमारा नाउन टू है, तो हमारे पास दो दो सब्जेक्ट हो गया, प्रकाश भी है और हिज ब्रदर प्रशांत भी है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है, कि किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया था कि वर्ब यूज किया जाता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के, जो कि वर्क के हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे है कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो क्या है, कैपेबल नहीं नहीं क्या है, वो आर है, यहाँ पे आर यूज किया गया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हिज ब्रदर प्रशांत, ये कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर की जाएगी। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे यूज क्या किया गया है, आर। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आर को यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह पे कुछ सिंगुलर यूज किया जाएगा, और सिंगुलर में क्या यूज किया जाएगा, इज, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ा रही हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है माय फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट देयर, नो एरर। अब यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है सेम चीज, एरर को आइडेंटिफाई कीजिए, देन इम्प्रूव कीजिए। अब यहाँ देखेंगे माई फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट देयर, अब यहाँ पे जो बात की गई है माई फ्रेंड, आप पहचानिए इसे कैसा है, माई फ्रेंड कैसे नेचर का है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगुलर है,
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस में सीखा है, जो इसका कॉन्सेप्ट ही कहता है, इसका मीनिंग ही होता है कि हमें क्या करना है, वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करवाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमारा कैसा है प्लूरल है। दैट मीन्स एरर हमें कौन से पार्ट में मिल गया, बी पार्ट में मिल गया। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, वर्ब को हटा के इसको भी सिंगुलर करना है। इसे आप सिंगुलर करेंगे तो ये हो जाएगा वाज, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या लगाना था, वाज लगाना था। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, काफी ईजी था ये। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे गिवन है 2 miles बियॉन्ड दैट पोस्चर वॉज सीन hundreds of cattle including some lambs no error। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सेम चीज की कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी करना है। तो आप पहले खुद इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ इसे। तो सॉल्व करते हैं, जैसे हमें ए में गिवन है 2 miles बियॉन्ड, तो पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो हमें गिवन है 2 miles, या फिर ऐसे कुछ भी यूज किया जाता है किसके लिए, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हमें फिक्स नंबर गिवन हो, फिक्स टाइम गिवन हो, फिक्स अमाउंट गिवन हो, ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ नंबर गिवन हो या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस गिवन हो, तीनों की ही केस में हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा कोई केस आएगा जहां पे एडवर्ब ऑफ नंबर गिवन हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, या फिर इसे आप बोल सकते हैं फिक्स नंबर हो, फिक्स फ्रीक्वेंसी हो, या फिक्स प्लेस हो, टाइम हो, तो ऐसे केस में जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, या मैं कहूँ जो नाउन यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा कैसा होगा, ये सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आई होप समझ में आई होंगी बातें। अब अगर इनके साथ जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यूज क्या किया गया है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2 miles बियॉन्ड दैट पोस्चर वॉज सीन हंड्रेड ऑफ कैटल, तो यहाँ पे क्या गिवन है, हंड्रेड ऑफ कैटल, यहाँ पे यूज किया गया है हंड्रेड्स ऑफ कैटल। तो ये क्या होता है, जानवरों के झुंड को बोलते हैं, लैम्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूज किया गया है हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो पोस्चर है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और आप देखेंगे हंड्रेड्स बहुत सारे हैं, तो ये कैसे हो गया, प्लूरल इन नेचर हो गया। अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब का है, पहले यूज कर लिया गया वाज, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्या है, वाज की जगह पे क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, तो इसको रॉन्ग करेंगे। कौन से पार्ट में एरर मिला हमें, बी पार्ट के अंदर एरर मिला। इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वर, ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, तो ये हम देख चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैटल के बारे में यहाँ बात हो रही थी। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी ये भी आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ नंबर आ जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि कैसा यूज किया है, सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर यूज किया गया है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल यूज किया गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है।
और एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या जब भी ऐसा केस होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है या एडवर्ब ऑफ नंबर होता है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाता है ना वो सब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमने इसे पहले पोस्टर देखा तो हमें लग रहा था क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में क्या होता है, तो यहाँ याद रखना है कि वर्ब पहले आता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले वर्ब मिल जाएगा फिर सब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो भी है एडवर्ब के साथ फ्रीक्वेंसी है तो वो आएगा, अगर प्लेस है तो वो आएगा, इसके बाद फिर वर्ब यूज की जाएगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द रिक्वेस्ट ऑफ अ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी नो एरर। अब यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और इसे सॉल्व भी करना है, मतलब कि इसे इम्प्रूव भी करना है। तो देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑफ यूज कर लिया गया, और मैंने बात की है शुरू में ही कि ऑफ दो चीजों के लिए यूज होता है, या तो सिलेक्शन के लिए या तो प्रीपोजिशन के लिए। इस क्वेश्चन में जो ऑफ यूज किया गया है किसके लिए, प्रीपोजिशन है, और अगर प्रीपोजिशन है तो आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे वर्कर्स है, ये क्या हो जाएगा, इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया और आप यहाँ पे देखेंगे द रिक्वेस्ट, ये कैसा है, ये हमारा है सिंगुलर, हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है और हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूनियंस दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी। अब आप यहाँ पे देखेंगे वर्ब क्या यूज कर लिया गया है, वर्ब यूज कर लिया गया, हम जानते हैं कि ये गलत हो चुका है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। तो आप देखेंगे तो हमें सी पार्ट के अंदर एरर मिल चुका है, और एरर किस चीज की है, वर्ब की है, वर्ब को हटा के यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर को लेके आना, और सिंगुलर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी नेहरू एंड कार्ल मार्क्स नो एरर। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है और देन इसे इम्प्रूव भी करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट वाले, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आया हिज पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटिक्स हो गया, ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है ना, तो ऐसे आप ये चीज भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, पर फिर भी हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं, पॉलिटिक्स आ गया, या फिर मान लीजिए मैथमेटिक्स आ गया, या फिर इकोनॉमिक्स आ गया, ऐसे और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हो गए, स्टैटिक्स हो गया एटसेट्रा, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इनके साथ आप देख पा रहे हैं एस लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बट हकीकत में ये कैसे होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, ये भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहचानते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे गिवन है हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी नेहरू। अब यहाँ पे पहले सब पहचानिए कि आपके पास यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया वो कैसा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या यूज किया गया, इज यूज किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है, ठीक होना चाहिए ये बात, तो क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा है सब, ये कैसा है, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, और सब्जेक्ट के नाम हम जानते हैं सिंगुलर होते हैं, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो वर्ब आ गया वो भी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू
जो अब तक हमने पढ़ा इन सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंग तो ये बात ठीक होनी चाहिए। यस, अगर इतना देख के हम समझे तो ये बात ठीक है। अब इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी देखते हैं। जैसे पहले पेन चेंज करेंगे। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, ठीक है, अगर हमें सब्जेक्ट्स के नाम मिल जाते हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स हो गया, अगर हमें इस तरह की, यहाँ पे एस भी लगेगा, ठीक है, एस भी है इसके साथ, तो अगर हमें सब्जेक्ट के नाम मिलते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, और तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि मान लीजिए ये जो सब्जेक्ट के नाम है इससे पहले अगर आपको कोई भी प्रोनाउन मिल जाता है, ठीक है, कैसा, कोई भी अगर प्रोनाउन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हिज मिल गया, या फिर आपको मिल जाए माई मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे योर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर और कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके साथ आर्टिकल द मिल जाता है, अगर इन सब्जेक्ट के नेम से पहले इनमें से कुछ भी लग जाता है, फिर सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं, तो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जब भी आपको सब्जेक्ट का नाम अकेले मिल जाता है तब तो हम समझ चुके हैं कि वर्ब सिंगुलर लगेगी, लेकिन अगर इनमें से कोई प्रोनाउन आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है पहले हिज आ चुका है और फिर पॉलिटिक्स आया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जो आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल यूज करना है, क्योंकि हमने बात किया कि यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है मीनिंग कम्प्लीटली, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। आई होप आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट का नाम आ जाता है तो उसे हम सिंगुलर ही मानेंगे और वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन अगर इनसे पहले कोई भी प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है फिर सब्जेक्ट का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है, ये सब्जेक्ट यही वाले हैं कोई से भी उठा लो, तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी क्योंकि इनका नेचर चेंज हो जाता है। अब इन सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है पर इसके नेचर के अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है कि इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोनाउन यूज कर लिया गया हिज, ये क्या हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया। नेक्स्ट फिर आ गया पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम भी आ चुका है, इज नॉट गुड, अभी हमने देखा कि ऐसे केस में वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, प्लूरल हो जाएगी, तो इसका मतलब इज नहीं होगा, ये हमारा क्या है, हमें ऑप्शन मिल गया, ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे इज को हटा के आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस व्होम आई नो वेल, रफियंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ये बीन की स्पेलिंग में भी एरर है, यहाँ पे आएगा डबल ई, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, टाइपिंग एरर हो गई है, हो जाएगा बीन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, मोस्ट ऑफ द न्यूज, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट का केस आ गया, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक बार दिखाती हूँ, हम इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ चुके हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये मिला था, प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट किया है, क्या था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट था यस, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था एक नाउन है फिर उसके बाद दूसरा नाउन आ जाता है और उससे पहले क्या आ जाता है, मोस्ट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ब कैसी आ जाती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और नाउन भी कैसा होता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमें एग्जाम्पल गिवन है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन, अच्छा यहाँ पे बीन की स्पेलिंग क्या हो चुकी है, गलत है, मतलब ये टाइपिंग एरर हो गया है, तो बीन की स्पेलिंग क्या होती है, बी डबल ई एन, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये तभी भी समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, बीन कम्युनिकेटेड बाय द सम ऑफ द रफियंस व्होम आई नो वेल। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि एरर कौन से पार्ट में, आप यहाँ देखेंगे तो गिवन है मोस्ट और इसके बाद आ चुका है प्रीपोजिशन ऑफ,
प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोस्ट, और ये मोस्ट ही क्या हो गया, हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है। और हम जानते हैं कि मोस्ट कैसा होता है, सिंगुलर नेचर होता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हैव यूज किया गया है, हम जानते हैं हैव कैसा होता है, हैव है प्लुरल इन नेचर का है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो कौन से पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में हमें एरर मिल रहा है। आप यहाँ से क्या हैव को हटाएंगे, हैव की जगह पे यूज किया जाएगा क्या, हैज यूज किया जाएगा, हैज क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन हिज टीम प्ले कॉन्फिडेंटली नो एरर। अब यहाँ पे पहचानना है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नन, अब यहाँ पे देखेंगे नन अकेला ही आया हुआ है, और हम जानते हैं नन, आइदर और ईच, एवरी, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अगर सब्जेक्ट बन के आते हैं तो ये खुद सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे तो ऑफ आ चुका है, ऑफ के बाद द फाइव प्लेयर, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रीपोजिशन का। ऑफ क्या है? एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नन हमारा क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, अगर हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या यूज किया गया, हैव यूज किया गया है, तो आपको एरर मिल चुका है। यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब सी पार्ट में क्या है? एरर है। आई होप समझ गए आप इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी नो एरर। अब यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, और इसे इम्प्रूव भी करेंगे। तो पहचानते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे द आइडिया ऑफ, ऑफ ये ऑफ देख रहे हैं कितने काम का है, ये प्रीपोजिशन बार बार हमें मिल जा रहा है, जो हमें हमारा सब्जेक्ट पहचानने में कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और इसके बाद जो आया है इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, तो ये जो यूज किया गया, हम समझ गए कि ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑफ का ही ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑफ का ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स द आइडिया जो था यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और आप देखेंगे आइडिया कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर इन नेचर माना जाएगा। और अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। तो पहचानते हैं वर्ब कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर यूज कर लिया गया है, गलत हो गया, तो हमें हमारे डी पार्ट में एरर मिल चुका है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? आर की जगह पे यूज करेंगे इज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या है? उस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है, एन एबिलिटी टू श्रिंक रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेन एवर डिजायर बिलोंग टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी इज हेयर ऑफ ओनली इन फेरी टेल्स एंड टेल्स ऑफ स्टोरीज टेल्स ऑफ मैजिक नो एरर। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि पढ़ने में ही कितना टाइम लग गया इसको। तो इसमें पहले एरर को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद इसको इम्प्रूव भी करना है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द एबिलिटी टू श्रिंक, अब यहाँ पर भी देखिए टू मिल गया, और हम जानते हैं टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद श्रिंक आया, तो ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एन एबिलिटी। और जो एबिलिटी है ये क्या होती है? एक देखते हैं इसको, आप देखेंगे एबिलिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल है तो हम जानते हैं कि इसे हम क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जानी चाहिए? सिंगुलर हो जानी चाहिए। तो ढूंढते हैं हमारा वर्ब कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस, तो ये एक तरीके से एंड वेन एवर डिजायर बिलोंग्स। अब आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है, और ढूंढते ढूंढते हमें हमारा वर्ब मिला है यहाँ पर बिलोंग्स। ठीक है, तो दैट मीन्स एरर कौन से पार्ट में हो गया? अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डी पार्ट जो है इसमें क्या है? एरर है। क्या एरर है पहले पहचान लेते हैं। यहाँ पे गिवन है बिलोंग्स, अब बताइए बिलोंग्स कैसा है? ये तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और यहाँ पे बिलोंग्स ही तो है, तो यहाँ पे एरर नहीं है किसी पार्ट में। इसका मतलब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है नो एरर का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो एरर। हमें सब्जेक्ट, हमें वर्ब कैसी चाहिए थी? सिंगुलर चाहिए थी, और हमें सिंगुलर ही वर्ब गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है।
ठीक है, आई होप समझ गए आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है 12 मंथ हैज पास्ड सिंस आई केम हियर बट ही हैज नॉट सीन मी इवन वंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे गिवन है 12 मंथ, अभी हम इसका रूल पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि अगर हमें क्या हो फिक्स टाइम गिवन होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं लिख नहीं रही, आप खुद समझ लीजिए, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या 12 मंथ की बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो हम जानते हैं कि ये कैसा होता है, जितने भी ये फिक्स टाइम है इनको एज अ कलेक्टिव ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कलेक्टिव यूज किए जाते हैं 12 मंथ्स, तो यहाँ पे मंथ्स नहीं काउंटिंग बताने का मतलब, फिर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये क्या है एज अ कलेक्टिव यूज किया जाता है, और अगर कलेक्टिव यूज किए जाते हैं तो इनका नेचर क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं सिंगुलर, कैसे हो जाते हैं ये सिंगुलर हो जाते हैं, और अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ब क्या यूज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया हैज, अच्छा नहीं ये नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये वाली है, ये तो फिर आगे इसके लिए ही के लिए है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया गया ये इसके लिए किया गया, और ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो कोई एरर नहीं है, एरर कहाँ पर है ए वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे यूज कर लिया गया हैव, और हम जानते हैं कि हम तो इसी सब्जेक्ट की बात करें 2 मंथ की, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए थी सिंगुलर होनी चाहिए थी, तो एरर कहाँ पर है इस वाले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे हैज लगाएंगे, ए पार्ट में एरर था हम ढूंढ चुके हैं। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, अब यहाँ पे सेम वही केस आ गया, हम इसे पढ़ चुके हैं आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन केस ऐसे थे जहाँ पे क्या होता है, जो पहला वाला था नॉट ओनली ये अपने साथ एक नाउन को लेता है, तो ये हमारे पास आ गया नाउन वन, और यहाँ पे बट ऑल्सो ने भी अपने साथ एक नाउन लिया, ये क्या है हिज फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास नाउन टू। अब हमें डाउट थी इसमें, मतलब जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को किसमें होती है कि जो हमें वर्ब यूज करनी है कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन वन के अकॉर्डिंग या नाउन टू के अकॉर्डिंग, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस केस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हिज फ्रेंड, तो जो वर्ब यूज की जाएगी वो इसके अकॉर्डिंग की जाएगी, और हिज फ्रेंड्स आप देखेंगे ये कैसा हो गया प्लूरल इन नेचर का हो चुका है, अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, वाज ना यूज होगी, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा वर्ब, ठीक है, आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे एरर किस क्वेश्चन में था, ठीक है, आसान था क्वेश्चन काफी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या था सी पार्ट में एरर था और हम इसे इम्प्रूव भी कर चुके हैं। अगर यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इट इज आई हु हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टाइम्स ऑफ नीड, नो एरर, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन इसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इट आया सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ चुका है, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं, इनका काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आई यूज किया गया है और हु हैज, हु क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है तो हम जानते हैं कि ये भी एक वर्ब लेगा, ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे यूज किया गया हैज, अब देखना है कि ये हु जो यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, हु यूज किया गया है यहाँ पे आई के लिए, और आई अपने साथ कैसा वर्ब लेता है रूलर वर्ब लेता है, ठीक है, तो हैज तो यूज किया नहीं जाता, तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा वो इस वाले पोर्शन में, इसको हम क्या करेंगे हैव करेंगे, हम जानते हैं कि आई कैसा है जो है तो सिंगुलर लेकिन अपने साथ वर्ब कैसे लेता है रूलर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, आई होप आप समझ गए, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिज फ्रेंड एंड वेल विशर इज डेड थ्रो ही डजंट नो अबाउट इट नो एरर, अब यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे यूज किया गया हिज फ्रेंड, फिर आ गया है वेल विशर, आप देखेंगे ये हमारा क्या है पहला एक नाउन हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट नाउन हो चुका है, और फिर आ गया वेल विशर, ये हमारा क्या है सेकेंड नाउन है, ठीक है,
समझ पा रहे हैं आप अच्छे से, कि ये हमारा फर्स्ट नाउन है, ये हमारा सेकंड नाउन है, और दोनों नाउन को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं कि जब दो नाउन होते हैं और दोनों एंड से कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ वर्ब क्या आता है। देखिए, अगर एक नाउन है प्लस में एंड है और फिर दूसरा नाउन है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट नाउन के साथ एक आर्टिकल यूज हो रखा है, प्लस में एंड है, फिर सेकंड नाउन आ गया और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्या था कि मान लीजिए कि फर्स्ट वाले के साथ भी कोई आर्टिकल यूज किया गया है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और दा भी हो सकता है, ठीक है नहीं बच्ची। चलिए दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर भी ए भी यूज हो सकता है और एन भी यूज हो सकता है और इसके साथ द भी यूज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर द भी हो सकता है, यहाँ पे द भी यूज हो सकता है। इसके बाद कोई नाउन आ गया फर्स्ट प्लस में, फिर एंड आ गया, फिर हमारे पास नाउन सेकंड आ गया, या फिर तीसरा केस हो क्या हो सकता है कि यहाँ पे ए आ जाए या फिर एन आ जाए या फिर या फिर द आ जाए, फिर इसके साथ कोई नाउन आ जाए पहला प्लस में, फिर एंड आ रहा है, फिर ये जो दूसरा नाउन है इसके साथ भी कोई आर्टिकल आ जाए, ए आ जाए या फिर एन आ जाए या फिर द आ जाए प्लस में। अब इसके आगे हम देखेंगे, अगर ये तीन केस बनते हैं एंड वाले में कि एंड से अगर चीजें कनेक्ट होती है तो ये तीन केस हो सकते हैं, और तीनों केस को हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट नाउन है, एक नाउन है और दूसरा कोई नाउन है। अब यहाँ पे देखेंगे एक नाउन है और दूसरा नाउन है, इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, ये कोई पहला पर्सन होगा, ये कोई दूसरा पर्सन है, दो पर्सन हो गए, और दो होते ही ये कैसे हो गए, प्लूरल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और यहाँ पे आप यूज करेंगे वर्ब, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा ये कैसा हो गया हमारा, प्लूरल हो चुका है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे यही बनेंगे, फर्स्ट नाउन प्लस में सेकंड नाउन, तो ये कैसा प्लूरल है। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल इन नेचर की हो जाएगी। अब सेकंड वाले में आते हैं, यहाँ पे देखेंगे ए एन और द, ये जो आर्टिकल यूज किया गया ये फर्स्ट वाले के साथ किया गया, सेकंड वाले के साथ तो नहीं यूज किया गया। और जब भी आर्टिकल एक के साथ यूज किया गया इसका मतलब है कि वो कोई एक ही पर्सन है जिसके बारे में दो बातें कही गई हैं, पहला नाउन कुछ है दूसरा नाउन कुछ है, लेकिन ये बंदा जो है वो एक ही पर्सन है जिसके बारे में हमने यूज किया। अगर एक आर्टिकल ही यूज हो रहा है दैट मीन्स वो एक ही पर्सन है, और अगर एक ही पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वो हो गया सिंगुलर, और अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ए एन द यूज किया गया है और इसके साथ नाउन के साथ एक आर्टिकल यूज किया गया है, जो हमारा सेकंड नाउन है। अच्छा, हमने सेकंड नाउन ही नहीं लिखा, अब यहाँ पे क्या है जो हमारा सेकंड नाउन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग नाउन यूज कर लिए गए हैं और साथ में उनको उनके पास अपना अपना आर्टिकल भी है। अगर इस वाले नाउन को अलग आर्टिकल दिया गया, इस वाले नाउन को अलग आर्टिकल दिया गया, तो इसका मतलब है ना कि दो अलग अलग लोग होंगे, तभी तो इन्हें दो अलग अलग आर्टिकल दिए गए। और दो अलग अलग लोग होते ही वो क्या हो जाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। एंड वाले ये तीन ही केस बनते थे और तीनों केस आप अच्छे से समझ चुके। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो मैंने ए एन द यूज किया, यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सनल प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोनाउन यूज कर लिया गया है, हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और एक बार हिज यूज किया गया है, यानी कि जो हिज है उसी के फ्रेंड्स जो कि उसके वेल विशर भी थे उन्हीं की क्या हुई है, डेड हुई है। तो ये वो दोनों की क्या, उन्हीं लोगों की क्या हुई है, कह लीजिए आप डेथ हुई है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों किसी एक बंदे के लिए यूज किया गया है, और अगर एक बंदे के लिए यूज किया गया है तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी यूज होनी चाहिए थी, सिंगुलर। अब आप यहाँ पे देखेंगे वर्ब क्या यूज किया गया है, इज यूज किया गया, तो क्या यहाँ पे कोई एरर है, नहीं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये सिंगुलर था, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही यूज की गई है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो गया
डी, डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था और ये सिंगुलर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें सब्जेक्ट में गिवन है मिस्टर शर्मा विद हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन। आप यहाँ पे देखेंगे मिस्टर शर्मा से लेके चिल्ड्रन के बीच में अगर आप देखेंगे, अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे मिस्टर शर्मा हो गए, उनकी वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए, कितने सारे लोग हो गए, है ना। तो आपको क्या लगेगा कि ये प्लूरल हो गया, तो आप देखेंगे है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे एरर है। क्या एरर है आप देखते हैं, जैसे आपके घर में भी शादी के कार्ड आते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आप ही मिस्टर शर्मा है तो वहां पे लिखा हुआ आता है मिस्टर शर्मा विद हिज फैमिली, लिखा हुआ आता है, तो उस फैमिली के अंदर फिर हम मेंबर थोड़ा ना जोड़ते हैं, इसका मतलब उन सबको, उस पूरी फैमिली को एक एंटिटी माना गया है। किस, क्या एंटिटी थी वो, मिस्टर शर्मा का घर था या उनकी फैमिली थी, तो ये क्या है एज अ होल माना जाता है, ठीक है, एज अ होल इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर मान लिया जाता है कि आपको एक ही फैमिली माना गया है। इसी तरह आप जो अपने घर से गिफ्ट भी देते हैं, लिफाफा भी देते हैं, वो भी तो एक ही देते हैं और उसमें क्या लिखा होता है कि ये पूरी फैमिली की तरफ से है, तो वहां पे आप सब क्या है कलेक्टिव नाउन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। और हम जानते हैं कि जो कलेक्टिव होता है उसको हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो आप पहचानेंगे यहाँ पे वर्ब क्या यूज कर लिया गया, हैव यूज कर लिया गया। आप देख पा रहे हैं एरर है इस पार्ट में, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हैज यूज किया जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये आप समझ चुके हैं। तो कौन से पार्ट में एरर था, डी पार्ट में एरर था, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ईच ऑफ द पर्सन हैज शोन हिज इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट प्लान। जितने भी लोग थे वो क्या था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया किस चीज में, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे उसमें। अब आप यहाँ पे देखेंगे ईच यूज किया गया और इसके बाद आ गया ऑफ, और ऑफ क्या है, प्रोनाउन है, और इसके साथ जो वर्ब यूज किया गया है, मतलब कि जो इसके बाद वर्ब आ गई है या जो आप कहेंगे जो वर्ड आया, ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। और अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ये है ईच और ये हमारा सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं ईच अपने आप में ही क्या है, सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे गिवन है हैज, कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है, तो यस ये कैसा है हमारे पास, सिंगुलर है। कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको यहाँ पर, नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप यहाँ भी देखिए ईच ऑफ द, ईच किसको बताता है, ये बता रहे हैं सिलेक्शन के बारे में, और हमने देखा है कि सिलेक्शन हम कितने में करते हैं, एक से ज्यादा लोगों में करते हैं, मतलब क्या है मेरा, मतलब यहाँ मेरा पर्सन से है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक किया गया है, क्या अब तक हम देख रहे थे कि जो हमें एरर मिल रहा था वो हर बार वर्ब में ही मिल रहा था, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी ऐसा ही हो। अब यहाँ आप देखेंगे जो एग्जामिनर खेल गया वो हमारे साथ यहाँ पे खेल गया, क्या था, हम जानते हैं ईच सिलेक्शन के लिए यूज किया गया, और जब हम जानते हैं सिलेक्शन किया जाता है तो किसी एक में नहीं किया जा सकता, एक पर्सन में से एक पर्सन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका मतलब जो एरर है वो यहाँ पर आएगा, ईच ऑफ द है तो इसके साथ यहाँ पे पर्सन ना होके ये हो जाएगा पर्सन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ इसमें कोई एरर नहीं था, ये बात बिल्कुल सही थी, बट जो एरर था वो इस वाले पार्ट में करके ही हमसे क्या है, एक ट्रिक खेल गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट पर्सन, ना कि पर्सन, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ फ्यू ऑफ द कंप्यूटर्स हैज बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूज किया गया अ फ्यू, फिर इसके बाद आ गया है ऑफ, और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है द कंप्यूटर, और ये जो द कंप्यूटर है आप देख पा रहे हैं ऑफ के बाद है, दैट मीन ये प्रीपोजिशन का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये चीज भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑफ यू, ऑफ यू हो गया, ये कैसा होता है, आप जानते हैं कि ऑफ यू किसके साथ आया है इस पर डिपेंड करता है। अगर ऑफ यू है, द फ्यू और फ्यू वाला केस आप पढ़ चुके होंगे, ऑफ यू क्या है, हमेशा किसके साथ आता है, तो यहाँ पे देखना है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी,
ठीक है, याद रहेगा। जिसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर से, तो ये कैसा है अनका, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, वर्ब कैसी आएगी, हमने देखा प्लूरल यहाँ पे गिवन है, हैज, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था हैव, ठीक है, आई होप समझ गए। तो यहाँ पे आना चाहिए हैव। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई एज वेल एज यू आर एंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अर्जेंट बेसिस नो एरर। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि फर्स्ट नाउन हमें, फर्स्ट प्रोनाउन हमें गिवन है, तो ये प्रोनाउन फर्स्ट हो गया, ये हमारा प्रोनाउन सेकंड हो गया, और इसे कनेक्ट किससे किया गया है, एज वेल एज से। हम देख चुके हैं एज वेल एज हो जाए या मोस्ट ऑफ अस हो जाए, मोस्ट हो जाए, मोस्ट ऑफ हो जाए, या फिर टुगेदर विद हो जाए। ऐसे जब दो नाउन या दो प्रोनाउन को कनेक्ट किया जाता है, तो जो जो वर्ब यूज की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, वो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के अकॉर्डिंग अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, क्या आर यूज होगा, नहीं, तो यहाँ पे यूज होना चाहिए था एम। तो एरर जो है वो बी पार्ट में है। ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ा स्पीड कर पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे हम बात कर चुके हैं, एज वेल एज वाले अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमें मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, आई होप समझिए आप इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 80,000 rupees हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब सुनने में कितना सारा लग रहा है, 80,000 बहुत सारे पैसे हैं, पर नहीं, यहाँ पर जो यूज किया गया है, इसे कलेक्टिव नाउन आप बोलते हैं, जो 80,000 rupees ये क्या है, एज अ वन एंटिटी यूज किया गया है, ये हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है, एज एन इंडिविजुअल यूज किया गया, या आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन की तरह इसको यूज किया गया, कलेक्टिव यूज किया जा रहा है। और जो कलेक्टिव होते हैं हम जानते हैं कि वो सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आप हैज को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे एफ को हटा के, और ये क्या हो जाएगा, बी वाले पार्ट में एरर मिला हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है द बॉयज ईच हैज अंडरस्टैंड, दो सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है, द बॉयज ईच हैज अंडरस्टूड द प्लान वेल एंड वेंट थ्रो इट अप शूट टू नो एरर। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें गिवन है द बॉयज, और उसके बाद ईच आ गया। अभी तक हमने देखा था कि हमें जो ईच मिला था वो हर बार कब मिल रहा था, सबसे पहले मिल रहा था, इसका मतलब सब्जेक्ट बन के आ रहा था, पर इस बार जो ईच है वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। इस केस को भी पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए पहले आ जाता है कोई भी प्लूरल, अगर हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया होता है और उसके बाद अगर ईच आता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग पहले जैसा नहीं रहता, जैसे पहले ईच आ जाता था वो मीनिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ईच है ये भी सपोर्ट तो इसी को ही कर रहा है, इसी के लिए आया गया है, तो ये भी क्या होता है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। इसका मतलब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद ईच आएगा, तो ये अपने बाद जो वर्ब लेगा वो भी कैसे लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ये सिर्फ इकलौता केस है जहाँ पे ईच के साथ क्या लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रहा है, वरना हमने देखा है जो ईच होता है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेता है। लेकिन अगर किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद ईच आएगा, तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर देगा और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब बन जाएगा, और वर्ब हमें कैसे लेनी पड़ेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या यूज किया गया, हैज यूज किया गया। हम जानते हैं बी पार्ट में एरर है, इसे सॉल्व करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो हैज को यहाँ से हटा के इसको क्या बनाएंगे हम, आपको क्लैरिटी आ चुकी है कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, नथिंग बट मासेस हैव इंसेप्टेड टू प्रोटेस्ट दिस प्लान हैज इट मे इंपेयर एंटायर सोशल सेटअप नो एरर। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूज किया गया है नथिंग। नथिंग कैसा होता है, इसे भी हम जानते हैं, ये भी क्या होता है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, तो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। नथिंग भी क्या होता है, ईच एवरी की तरह ही काम करता है, तो नथिंग आ चुका है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना।
और कुछ भी नहीं, मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो चुका है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो बस यहाँ से हमारा क्या है, हैव आ रखा है, हमें एरर फर्स्ट पार्ट में ही मिल चुका है, यहाँ पे आना चाहिए हैज। आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पा रहा, पढ़ना की जरूरत पड़ रही। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज करके रखते हैं, तो बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं एरर को ढूंढ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टू गिवन है, टू एसिड्स एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ सोशल लाइफ, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें आ चुका है टू एसिड एंड टू डिनाई। आप जानते हैं कि टू कौन से वर्ब के साथ आता है, अगर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब होता है, जिसके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। ऐसे ही एक होता है जिरंड, जिरंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ क्या यूज होता है, आईएनजी यूज होता है, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा नेचर पढ़ते हैं, सेम नेचर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने देखा था कि हमें पहला नाउन मिल जाए, फिर दूसरा नाउन मिल जाए और वो एंड के साथ कनेक्ट हो, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है। अगर दो इन्फिनेटिव है और दोनों एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, क्या बोला मैंने कि दो इन्फिनेटिव है, दोनों एंड के साथ जुड़े हैं, दैट मीन्स और इनके पास क्या है, अलग अलग, तो ये दो नाउन की तरह ट्रीट कर लो। जैसे नाउन फर्स्ट होता था, नाउन सेकंड, तो एक से ज्यादा लोग हो गए तो वहां पे प्लूरल लगा देते थे। ऐसे ही अगर दो इन्फिनेटिव आ गए और दोनों एंड से जुड़े हैं तो इनको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज होगी, प्लूरल होगी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, वी वाले में एरर है, इसको हटा के यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, आर। सेम नेचर जिरंड का होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो जिरंड आपको एक साथ मिल जाए, स्विमिंग आ जाए और यहाँ पे कुछ और आ जाए, प्लेइंग एंड स्विमिंग आ जाए, तो यहाँ पे दो अलग अलग जिरंड आ चुके हैं और दोनों किसे कनेक्ट है, एंड से, तो दो अलग अलग जिरंड है तो उन्हें दो अलग अलग मानते हुए हम क्या मान लेंगे, प्लूरल मानेंगे। और उसके साथ भी जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्टडिंग और प्लेइंग हैव बीन द इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल्स, नो एरर। अब यहाँ पे देखेंगे सेम जिरंड वाला केस आ गया, आप देखिए पहला जिरंड ये रहा, दूसरा जिरंड ये, पर यहाँ पे कनेक्ट और से है, केस बदल गया। अगर एंड से कनेक्ट होता तो हम जानते कि ये प्लूरल है और ऐसे केस में वर्ब क्या हो जाती है, हमारी प्लूरल हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, और से कनेक्ट है, और का मतलब चॉइस, कि या तो स्टडी या तो प्लेइंग, किसी एक की बात हो रही है, ठीक है, याग ही मतलब होता है ना इसका, तो यहाँ पे किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और तो फिर वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे हम यूज करेंगे हैज, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। तो सी पार्ट बी पार्ट के अंदर क्या था, एरर था और हम इसे इम्प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। एक बार पहले वाले एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में मैंने कहा था दो या दो से ज्यादा इन्फिनेटिव अगर एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब दो इन्फिनेटिव अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम दो अलग अलग एंटिटी मानते हैं और उनके साथ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। जिरंड के केस में भी सेम था कि अगर दो जिरंड एंड से कनेक्ट होंगे तो उनको भी प्लूरल मानेंगे और उनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। लेकिन इस वाले केस में कुछ अलग था, यहाँ पे दो जिरंड थे लेकिन वो एंड से नहीं और से कनेक्टेड थे, और का मतलब ये होता है या तो स्टडी या तो प्लेइंग, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है, दोनों ही, तो इनमें क्या हो गया, किसी एक पे फोकस है तो एक पे फोकस है, इसका मतलब सिंगुलर है और वर्ब कैसी यूज हो गई, सिंगुलर यूज हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आप देखेंगे द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन द वेक ऑफ द इशू रिलेटेड टू मैनेजमेंट, नो एरर। अब यहाँ पे देखेंगे पहला नाउन हमें गिवन है N1 और द चेयरमैन, ये हमारा हो गया सेकेंड नाउन। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नाउन है, सेकेंड नाउन है, किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, और इसके साथ इनके पास अपना अपना आर्टिकल भी है। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार मैं दिखाती हूँ जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है। ये था क्वेश्चन, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो नाउन आ जाए और दोनों के पास अपना अलग अलग आर्टिकल होगा तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि ये दो अलग अलग पर्सन है,
और अगर दो अलग अलग पर्सन है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। आई होप आपको याद आ गया ये अच्छे से। याद आ गया तो आते हैं हम अपने ही क्वेश्चन पे और सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए दो नाउन है, दोनों एंड से कनेक्ट है, दोनों के पास आर्टिकल, इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है, दैट मीन्स ये प्लूरल हो गए। और अगर प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ब यूज किया गया हैज, देख पा रहे हैं रॉन्ग है, इसकी जगह पे क्या यूज होना चाहिए था, हैव। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है स्टाफ मेंबर्स अ कंप्लेंट बाय मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन हैज टेकन पार्ट इन दिस चैरिटेबल एक्टिविटी फॉर द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, नो एरर। अब ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे एक नाउन ये है, दूसरा नाउन क्या है, मेंबर ऑफ डेलीगेशन, और ये दो नाउन कनेक्ट किससे हैं, आपको केस याद है, एज वेल एज वाला मैंने कहा था, टुगेदर टुगेदर विद आ जाए, या मोस्ट ऑफ आ जाए, या यहाँ पे अ कंप्लेंट बाय आ जाए, ये सब एक ही चीजें हैं। इन सब के साथ जब भी दो नाउन कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, जो हमारा फर्स्ट नाउन होगा। फर्स्ट नाउन क्या है, स्टाफ मेंबर्स, कैसा है ये, प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल, और यहाँ पे क्या यूज किया गया, हैज। दैट मीन्स आप समझ गए कि जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, हमारे ए पार्ट की, सॉरी हमारे बी पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक करने के लिए आप करेक्ट करेंगे, हैज को हटा के यहाँ पे लगाएंगे हैव। आई होप आपको चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट प्रिंटेड। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पहचानना है कि एरर कौन से पार्ट में है, देन उसको इम्प्रूव भी करना है। तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे हम, ए पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है द पब्लिशर सेज, अब पब्लिशर हम देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ गया, तो ये बात तो यहाँ पे ठीक हो गई। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पोर्शन में इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे देयर यूज किया गया और देयर के आगे इज यूज किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था देयर के नेचर के बारे में, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, देयर देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब को भी यूज कर सकते हैं। तो देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को भी यूज कर सकते हैं और हम प्लूरल वर्ब को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात डिपेंड किस पे करेगी, तो मैंने बताया था कि ये बात कंप्लीटली डिपेंड करेगी कि देयर आपने यूज किसके लिए किया। हम जानते हैं कि देयर क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसे किया गया है, यहाँ पे आगे कहा गया, आगे ऑप्शन में देखेंगे मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे जो है प्लूरल हो गया। अगर हमने जिसके लिए देयर यूज किया है वो सिंगुलर है तो एक तरीके से कह सकते हैं सब्जेक्ट ही आप कह लें, तो हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या है किसी प्लूरल के लिए यूज किया है देयर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जानते हैं कि हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमने ये तो देखा कि दे इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब इसको देखेंगे मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कैसा है, प्लूरल है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इज आना है ये भी गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था और ऐसा वर्ब आना चाहिए था जो हमारे सब्जेक्ट के साथ क्या कर सके, एग्री कर सके, पर यहाँ पे इसे इसीलिए क्या करेंगे, हटाएंगे। हम देख पा रहे हैं हमारे बी पोर्शन में क्या है, एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे यूज करेंगे आर। ठीक है, प्लूरल नेचर का चाहिए था तो आर हमें मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वोम आई चोजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क, नो एरर। अब आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन में एरर है और उसे इम्प्रूव भी करना है। तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं, पहले वाला पार्ट में आप देखेंगे ईच से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और फिर ईच के जस्ट बाद हमें क्या मिल गया, ऑफ, और हम जानते हैं कि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है।
और अगर ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो आप जानते हैं कि ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है या आने वाला जो वर्ड होता है वो कैसा होता है, वो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट किसका, इसी प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो हमारा सब्जेक्ट बचा क्या, ईच। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दो बातें पता चली। पहली चीज ये पता चली कि ईच हमारा सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमें क्या पता चला, इसके अलावा हमें ये पता चला कि ये जो ईच है ये आप पहले से भी जानते हैं कि ये सिंगुलर इन नेचर होता है। ठीक है, ईच कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट भी हमें मिल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि वो सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी कैसे यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। तो पहचानते हैं कि ईच का वर्ब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे व्होम आई हैव चोजन टू टेक पार्ट। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे जो हैव यूज किया गया ये ईच के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो ये हैव यूज किया गया है ये आई के लिए है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल ये सिंगुलर है, लेकिन हम जानते हैं कि आई के साथ हैव यूज होता है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूजन इनटू द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क। तो ये जो डी पोर्शन में हमें आर गिवन है ना, ये हमारा क्या है, वर्ब है जो हमारे इस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया। और कैसा है ये, प्लुरल है। हम जानते हैं कि हमें कैसा चाहिए, हमें तो सिंगुलर चाहिए। दैट मीन्स जो एरर है वो कौन से पोर्शन में दिख रहा है आपको, एरर हमारा है डी पोर्शन के अंदर। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर को रिप्लेस करेंगे और आर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वूम से स्टार्ट किया गया था और हॉल तक इतनी सारी जो बातें लिखी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ताकि आप सब्जेक्ट को और वर्ब को इतना दूर कर दिया जाए कि पहचानने में ही प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द टेलीविजन विच यू गिव टू हर चिल्ड्रन वर्क परफेक्टली नो एरर। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सेम चीज कि कौन से पार्ट में एरर है और इसे इम्प्रूव भी करना है। तो देखते हैं, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे गिवन है द टेलीविजन विच यू गिव टू हर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे टेलीविजन, द टेलीविजन गिवन है, इसके बाद विच यूज कर लिया गया है। विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इसीलिए ही यूज किया गया है। आगे देखेंगे यू है, यू के बाद गेव है। तो अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये जो गेव है वो टेलीविजन के लिए, नहीं भाई, ये जो यू गेव यूज किया गया है ये यू के लिए किया गया है। तो यू एक सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट को उसका वर्ब चाहिए था, तो इसके साथ गेव हो गया। और देख पा रहे हैं गेव कैसा है, प्लुरल है और यू भी प्लुरल होता है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते आगे। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट तो हमारा मिल चुका है कि टेलीविजन है, और हम ये भी जान चुके हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर इन नेचर है। ये दोनों बातें हम जान चुके हैं, बस अब हमें हमारा वर्ब ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो हर चिल्ड्रन, सी पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे वर्क गिवन है, यही हमारा क्या है, टेलीविजन का। अगर हम गए हमारे टेलीविजन का सब्जेक्ट वर्ब, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब वर्क है, और ये अगर सिंगुलर है तो वर्क भी कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। पर ये तो प्लुरल है क्योंकि इसके साथ एस या एस नहीं है। आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे ही हम एस या फिर ई एस को अटैच करते हैं, इसके बाद ये हमारा वर्ब किसमें चेंज होता है, सिंगुलर, सिंगुलर बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये प्लुरल है, तो इसे हमें किसमें चेंज करना पड़ जाएगा, सिंगुलर में। हमने अपना एरर ढूंढ लिया, सी पार्ट के अंदर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, वर्क की जगह पे वर्क्स कर देंगे, एस लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज लीव नेक्स्ट डोर टू हर, नो एरर। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है सेम कि कौन से पोर्शन में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ए पोर्शन में देखते हैं, यहाँ पे गिवन है द टॉलेस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से दिख रहा है हमें सब्जेक्ट है। और आगे आप देखेंगे इसके बाद प्रीपोजिशन आ चुका है, प्रीपोजिशन के बाद ये जो वर्ड यूज हुआ है द थ्री बॉयज, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो टॉलेस्ट यूज किया गया है यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है,
अब इसे पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप पहले पहचानेंगे द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। इसका मतलब क्या है कि तीनों में से उस बॉय के बारे में बात हो रही है जो कोई टॉलेस्ट है, और हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ से तीनों तो नहीं है, तीनों में से उस बच्चे के बारे में तो कोई एक ही होगा, एक ही होगा, तो ये यूज तो इसके लिए किया गया, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर इन नेचर हो जाएगा। नीचे लिख देती हूँ, तो जो टॉलेस्ट यहाँ पे हमें मिला वो कैसा है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। डोंट अपने वर्ब को, अब आप सी पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है लीव, ये कैसा है, प्लूरल इन नेचर है, जबकि इसको होना कैसा चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। दैट मीन्स हमारे सी वाले पार्ट में क्या है, एरर है, इसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए क्या करना है, हमारे सी पोर्शन में एरर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, लीव को यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसकी जगह लगा देंगे लीव्स। ठीक है, आई होप ये पेन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द वेरियस कंसीक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट टेकन फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, नो एरर। अब यहाँ पे पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो पहचानते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे द वेरियस कंसीक्वेंसेस, और इसके बाद आ चुका है ऑफ, और हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि बार बार ये ऑफ किसके लिए यूज किया जा रहा है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे कोई सिलेक्शन का केस तो है नहीं, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया, और अगर प्रीपोजिशन है, पहले मैं पेन चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑफ यूज किया गया, हम देख पा रहे हैं कि ऑफ किसके लिए यूज किया गया, प्लूरल ये यूज किया गया है द डिसीजन के लिए, और ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन का ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द वेरियस कंसिक्वेंसेस, यही हमारा क्या सब्जेक्ट है। और आप देख पा रहे हैं वेरियस कंसिक्वेंसेस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये प्लूरल है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ढूंढते हैं कि हमारा वर्ब कहाँ पर है। द डिसीजन टेकन, अब ये जो टेकन यूज किया गया है द डिसीजन के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं है, बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें हमारा वर्ब मिल गया, वाज यूज किया गया, जबकि हमने देखा कि जो हमारा वर्ब था वो कैसा था, प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो सिंगुलर है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, इसे हम ठीक करेंगे, इसकी जगह पे यूज हो जाएगा वर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में मिला हमें, सी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज एट अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, नो एरर। अब पहले तो आपको पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, आफ्टर दैट आप इसको इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो पहचानते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं करवा दूंगी फिर आपको, तो पहले आपको ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं, तो देखेंगे जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हम चेक करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ यूज किया गया है, ऑफ आप देख रहे हैं ये कितनी हेल्प कर रहा है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा नहीं है, तो प्रीपोजिशन काफी हेल्पफुल है आपके लिए, और वो भी ऑफ प्रीपोजिशन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑफ के बाद जो आया है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये पूरा ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द इंट्रोडक्शन, और आप जानते हैं द इंट्रोडक्शन ये हमें सब्जेक्ट मिल चुका है। और आप अगर इसका नेचर देखेंगे तो जान पाएंगे कि ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम जानते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या मान के चलते हैं, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखते हैं आगे गिवन है, इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे आप वर्ब यूज की गई है अट्रैक्ट। और अभी हमने देखा कि ये कैसे नेचर का है, सिंगुलर नेचर का। अगर ये सिंगुलर नेचर का है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स हमें एरर मिल चुका है, एरर सी पोर्शन में। इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ सिर्फ एस अटैच कर देंगे, ए डबल टी, यहाँ पे लिख देंगे ए डबल टी आर ए सी टी और एस अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अगर एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन नो एरर। यहाँ पे भी सेम, पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, उसके बाद फिर इसको इम्प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे अगर, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द नॉलेज, आप देख पा रहे हैं नॉलेज कैसी चीज है, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसके बाद ऑफ भी आ गया, और ऑफ के बाद आने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम ट्रीट भी कैसा करते हैं, हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब कौन से पार्ट में हमारा एरर है। तो आप देखेंगे सी पार्ट में हमें आर गिवन है, और अभी हमने देखा कि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आप आर को हटाएंगे, इसकी जगह पे यूज किया जाएगा इज, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो हमें हमारा एरर मिल चुका है, सी पार्ट के अंदर हमारा एरर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी डाउट ना हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड द पार्क नो एरर। अब यहाँ पे देखेंगे आइदर का केस, आइदर वाला केस आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर हमें ईच मिल जाता है, अगर हमें आइदर मिल जाता है, नाइदर मिल जाता है, या फिर नॉर मिल जाता है, इन चारों ही केसेस में हम इन्हें क्या, इन चारों को ही क्या ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। और अगर ये सिंगुलर हो गए तो हम जानते हैं कि अपने साथ वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया गया है। अब यहाँ पे एरर आइदर है, आइदर ऑफ द रोड्स, और यहाँ पे ऑफ भी यूज कर लिया गया। ऑफ क्या है, ये हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आया है वो क्या है, द रोड्स। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता फिर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आइदर, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और अभी हमने देखा कि अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये कैसा है, सिंगुलर नेचर है इनका, क्योंकि हम इन्हें क्या मानते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कि हमें क्या ढूंढना है, हमारा वर्ब, वर्ब को देखते हैं, वर्ब हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है। तो आप देखेंगे बी पार्ट में हमें लीड गिवन है, लीड क्या है, वर्ब है, टू द पार्क, अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये जो लीड है ये हमारा क्या है, वर्ब है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ब है कैसे नेचर में आया हुआ है, ये है प्लुरल, जबकि हमें चाहिए कैसा, सिंगुलर चाहिए। इसका मतलब बी पार्ट में एरर है, इसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने से ही वो क्या बन जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा लीड्स, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है, एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कमली इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कमली हमें क्या है, सब्जेक्ट गिवन है, इसके साथ इज गिवन है, ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट भी हो गया, इसको इसका वर्ब मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स, अब ये वन ऑफ द प्लेयर्स आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे हु आ गया। आपको ध्यान होगा हम ये पढ़ चुके हैं, पर मैं रिवाइज करवा देती हूँ फिर से, आपको एक बार बता देती हूँ। अगर वन ऑफ का केस आ जाता है, एक सेकेंड, अगर आ जाता है वन ऑफ की केस में, हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पे ये ऑफ यूज किया गया है, ये क्या करने के लिए यूज किया गया है, ये सिलेक्शन को बताने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑफ यूज किया गया है क्या बताने के लिए यूज किया गया है, सिलेक्शन को बताने के लिए यूज किया गया है। और आप जानते हैं जब ऑफ सिलेक्शन बताने के लिए आता है, तो बात अगर हम सिलेक्शन की करें तो सिलेक्शन हम तभी करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, उन्हीं के बीच में सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे वन ऑफ तो आ गया है और सिलेक्शन किसका हो रहा है, प्लेयर्स का, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तभी तो आप उनमें से किसी को, एक को छांट पा रहे हैं, तो हमें किसी एक को छांटना है, तो यहाँ पे ये बात ठीक हो गई। इससे हम ये बात पहले भी समझ चुके थे कि जो वन ऑफ होगा अपने साथ जो नाउन लेगा, ये नाउन कैसा होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया, अब हम आते हैं वर्ब पे। अब हमें वर्ब कैसी लेनी है, ये बात कैसे पता चलेगी, तो ये बात मैंने कहा था दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए इसके बाद ही हमें वर्ब लेना है, मतलब कि सीधा नाउन है, नाउन के बाद ही सीधा वर्ब यूज किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि सिलेक्शन किसी एक का हो रहा है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आरपी आ जाती है, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादातर जो होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए, जो कैसा है, प्लुरल इन नेचर का है। तो हमारा आरपी भी कैसा माना जाएगा, प्लुरल मान लिया जाएगा। और अगर ये भी प्लुरल ही हो गया, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लुरल लेगा। तो ऐसे केस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो कैसी होती है, प्लुरल वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अब आप देखेंगे हु गिवन है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमने देखा वन ऑफ चाहिए था, वन ऑफ मिल चुका है, नाउन तो हमारे पास नाउन गिवन है, और कैसा नाउन था, प्लुरल, तो प्लेयर्स प्लुरल ही है। इसके बाद हमें आरपी मिल चुका है, तो आरपी हमारा क्या है, हु, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमें क्या चेक करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, तो आप देखेंगे कमली इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन, तो ये जो हु यूज किया गया इन प्लेयर्स के लिए यूज किया गया, और प्लेयर्स कैसे हैं, ये प्लुरल हैं। अगर ये प्लुरल हैं तो हमारा जो हु है ये भी तो प्लुरल नेचर का हो गया। अगर ये प्लुरल नेचर का हो गया तो अपने बाद जो ये वर्ब लेगा वो कैसे लेगा, प्लुरल लेगा, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, हैज। तो हम समझ गए कि हमारा एरर कौन से पार्ट में है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से कि जो एरर है वो हमारे बी पार्ट के अंदर है, ठीक है। और हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस हैज को यहाँ से हटाएंगे और हैज की जगह पे क्या यूज कर दिया जाएगा, हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा इस ऑप्शन में। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है, द सम एंड सबस्टांस ऑफ द पोयम आर एज फॉलोज, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंड दिया है, और आप देखेंगे हमें एक नाउन पहले गिवन है और दूसरा नाउन हमें बाद में गिवन है, और आर्टिकल सिर्फ एक बार है। हम जानते हैं कि अगर एक बार आर्टिकल यूज किया गया है तो इसका मतलब एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे उसी के सम और उसी के सबस्टांस के बारे में बात हो रही है। तो
अगर एक बार वर्ब यूज किया गया है मतलब आर्टिकल यूज किया गया तो हम मानते हैं कि ये कोई एक ही चीज है, और अगर एक ही चीज है तो ये कैसी हो गई, सिंगुलर हो गया। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर। तो देखते हैं यहाँ वर्ब जो सी पार्ट में यूज की गई है आ रहा है, ये कैसी है, हम देख पा रहे हैं कि ये प्लूरल इन नेचर है और इसे ठीक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमें तो सिंगुलर चाहिए। तो हमने देख लिया कि हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, तो आप देख पा रहे हैं सी पार्ट के अंदर एरर है। इस एरर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आर को हटाएंगे और इसकी जगह पे सिंगुलर यूज करेंगे, दैट इज। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ चुकी है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, मोस्ट ऑफ द फंड्स we get from America is used to build roads and bridges, no error. अब यहाँ पे identify करना है कि कौन से part में error है, then उसको improve भी करना है। तो आते हैं first वाले केस पे। यहाँ पे आप देखेंगे given है most of the students we get from America। अब एक चीज और भी यहाँ समझनी है, देखिए यहाँ पे आ चुका है of। of के बाद जो word आता है हम जानते हैं कि ये क्या होता है, object होता है किसका, प्रीपोजिशन का, और हमारा प्रीपोजिशन ऑफ था तो ऑफ का ही ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है और ये सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मोस्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। और मोस्ट किस नेचर का होता है पहले इसे समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जो ये मोस्ट होता है, पहले इसके केस को समझते हैं, पेन का कलर चेंज करेंगे, पहले शुरू करते हैं। जैसे हमें गिवन है मोस्ट, ठीक है, तो मोस्ट भी क्या होता है, दो तरीके से बिहेव करता है। अगर मोस्ट के साथ कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, या फिर हो सकता है इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मोस्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। अब इनका बिहेवियर चेक करेंगे, तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मोस्ट यूज होता है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसी ले लेगा, प्लूरल ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे हमारे साथ मतलब कि मोस्ट के साथ अनकाउंटेबल नाउन को यूज किया जाए, तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर होता है ये नेचर में। अगर ये खुद सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब आप देखेंगे मोस्ट ऑफ है, इसके बाद फंड्स यूज किया गया है। आप जानते हैं फंड क्या हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चुका है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, सॉरी प्लूरल वर्ब लेगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे गिवन है नेक्स्ट पार्ट में वी गेट फ्रॉम। अब यहाँ पे जो गेट यूज किया गया ये वी के लिए यूज किया गया, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बिल्कुल एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में गिवन है अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यूज किया गया है इज, प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो मोस्ट यूज किया गया है, मोस्ट यहाँ पे इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि ज्यादातर जो रोड बनाई गई है कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। तो ये जो इज यूज किया गया है किसके लिए किया गया, इस मोस्ट के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, रूलर है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन था ये। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। दैट मीन्स एरर हमें मिल चुका है, हमारे सी पार्ट के अंदर एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या यूज कर लिया जाएगा, आर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। ये आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने कोशिश की है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे इस क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो चुके हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आप कॉन्सेप्ट को दो तीन बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, और आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि कितने ईजिली हम क्या है यहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ठीक है। आप भी इतनी आसानी से कर पाएंगे, तो इसको रिवाइज करें मल्टीपल टाइम, और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक
पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म होता है। हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था और आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।